टेराफॉर्म को बोला जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड, राइट, आईएसी। टेराफॉर्म को आईएसी बोला जाता है, और ये एंसिबल जो है, एंसिबल को सीएसी बोला जाता है, कॉन्फ़िगरेशन एज अ कोड, राइट। तो ये सारे मतलब क्या करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑटोमेट करने का काम करते हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बिटवीन कॉन्फ़िगरेशन सीएफ टूल्स में, जिसको कॉन्फ़िगरेशन टूल बोला जाता है, एंसिबल, सॉल स्टैक, पपेट, शेफ, वो सारे हैं, और टेराफॉर्म है। अब टेराफॉर्म स्टार्टिंग में टेराफॉर्म जो है, जिन लोगों ने बनाया है, दे हैव टेकन अ ह्यूज इंस्पिरेशन ऑफ फ्रॉम समथिंग कॉल्ड क्लाउड फॉर्मेशन, ठीक है। तो लिटरली तुम ऐसा ही बोल सकते हो, उन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिया है, बट दे डिड इट इन अ डिफरेंट वे। क्लाउड फॉर्मेशन किसने बनाया था? AWS ने बनाया था, और वो किस लिए बनाया था? उनके क्लाउड के लिए बना रखा था। और तो AWS क्लाउड फॉर्मेशन क्या करेगा, ये क्लाउड, इसको बोला जाता है क्लाउड फॉर्मेशन इज व्हाट, क्लाउड एग्नोस्टिक, क्लाउड नेटिव वे, सॉरी, ठीक है। क्लाउड फॉर्मेशन क्या है, क्लाउड ये है, और ये सिर्फ AWS पे काम करता है, और ओरिजिनली ये बना था सिर्फ, ओनली लैंग्वेज यू कैन राइट इज जेसन। तुमको पूरा का पूरा टेम्पलेट जो है जेसन में लिखना पड़ता था, और जेसन उतना मतलब नहीं, वेरी नॉट वेरी इजी ऑन दी आईज, मतलब थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग लगता है, ओवरवेलमिंग भी लगता है देख के, क्योंकि बहुत ज्यादा उसको रैपिंग रहती है, डबल कोट्स, कॉमा, और ये हो जाता है। तो जेसन प्रिटी फॉर्म में थोड़ा ठीक ठाक दिखता है, बट जेसन का नॉन प्रिटी फॉर्म रहता है मोस्टली। लेकिन कोड वोड लिखना है तो यू हैव टू राइट इन अ प्रिटी फॉर्म। प्रिटी फॉर्म का मतलब है कि तुम उसको प्रिटी करके लिखो, जो इंडेंट बराबर से दो, ताकि तुमको समझ में आए, रीडेबिलिटी बढ़ जाए। तुम कचरा कुंडी करके रखोगे तो नहीं समझेगा, तो रीडेबिलिटी खराब होगी, तुम्हारा कोड भी तुमको भी नहीं समझेगा। तो ये है उसका मतलब, हिस्ट्री से ये है कि टेराफॉर्म ने क्लाउड फॉर्मेशन से इंस्पिरेशन लिया है, दैट्स अ नाइस वे टू से इट, लिटरली दे कॉपी पेस्टेड इट, बट उन्होंने चेंज किया। तो उसका नाइस वे बोलने का तरीका यही है, टेराफॉर्म वाले बोलते हैं दे हैव टेकन अ इंस्पिरेशन फ्रॉम द क्लाउड फॉर्मेशन। और क्लाउड फॉर्मेशन का काम क्या था, वो सिर्फ AWS का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता था, और ओरिजिनली ये पूरा जेसन में लिखा हुआ था, यू हैव टू राइट द होल कोड इन द जेसन। टेराफॉर्म ने स्टार्ट किया AWS से ही, उसने पूरा का पूरा लिखा हुआ जो जो ये काम कर रहा है अब, लेकिन दे हैड टू डू समथिंग एल्स, और दे ऑल्सो, उनको भी मतलब समझ में आ गया, क्योंकि उस टाइम तक अजोर का भी आ गया था, अजोर क्लाउड वॉज ऑल्सो देयर बैक इन 2012। अजोर क्लाउड ने भी अपना मतलब आर्म टेम्पलेट्स लेकर आ गया था, देयर वाज देयर अनदर वन आर्म टेम्पलेट फॉर अजोर, और ये भी पूरा जेसन में ही रहता है, ठीक है। तो और ये भी क्लाउड नेटिव है, और गूगल का तो समय लेट आया, बाय द टाइम दे ऑलरेडी हैड इट। तो इन लोगों ने क्या किया, एक कॉमन टूल बनाया, बिकॉज अगर तुमको क्लाउड फॉर्मेशन तुमने सीख लिया है एज ए इंडिविजुअल, तो तुमको AWS पे आ गया इंफ्रास्ट्रक्चर का ऑटोमेशन करने के लिए। बट अगर जैसे तुम्हारा क्लाउड चेंज होता है, कल को तुम अजूर पे काम करोगे, तो यू कैन नॉट यूज जो भी तुमने यहाँ पे सीखा है। अब एक चीज यहाँ पे यू हैव टू रिमेम्बर, पीपल से रीयूजेबिलिटी, राइट। तो रीयूजेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि तुमने जो कोड लिखा हुआ है उसे कॉपी पेस्ट करना है यहाँ पे। रियूजिबिलिटी का यहाँ पे मतलब ये है, अब लिटरल टर्म्स में लोगे तो रियूज करना, ठीक है, मैंने कोड लिखा हूँ उसी को रियूज करता हूँ, आई डोंट नीड टू राइट एनीथिंग। लेकिन टेराफॉर्म में बोला जाता है रियूजिबिलिटी। तो मान लो कि तुमने कोई कोड लिखा है, ऐसे क्वेश्चन मुझे पूछे गए हैं, तुमने कोड लिखा है AWS के लिए EC2 प्रोविजन करने के लिए, क्या वही कोड तुम यूज कर लोगे अपना Azure VM बनाने के लिए भी? तो वो टेराफॉर्म नहीं करके देगा तुम्हारे लिए, ठीक है। तुमको यू हैव टू चेंज एवरीथिंग, तुम्हारा कोड पूरा यू हैव टू रीराइट इट। द ओनली थिंग क्या रहेगा कि तुमको जो कंसेप्चुअली अंडरस्टैंडिंग है, सिंटैक्स जो तुमको पता है, किस तरह से तुम उसको मैनिपुलेट कर सकते हो, उसके जो कॉन्स्ट्रक्ट है, उसका टेम्पलेट का जो स्ट्रक्चर होगा कि फाइल स्ट्रक्चर किस तरह से रहेगी, कौन सी फाइल में क्या रखना चाहिए, कहाँ से उसको रन करना है, कैसे बनाना है, वो सारे जो आइडिया है, कंसेप्ट है, दैट इज गोइंग टू बी द सेम। कोड तुमको चेंज करना ही होगा, सबसे पहला तो चेंज तुमको यही करना पड़ेगा ना, कि तुमको, अब तुमने AWS बोला था, अब तुम बोल रहे हो अजोर, तो तुमको टेराफॉर्म को जाके बोलना पड़ेगा भाई तेरे को अजोर पे करना। फिर उसके बाद अजोर तो नहीं बोलता वहां पर EC2 अपने VM को, वो बोलता है अजोर VM, तो तुमको जाके वहां पे बोलना पड़ेगा अजोर VM। उसके बाद में जो भी, क्योंकि उनका आर्किटेक्चरल डिफरेंस है, एट द एंड ऑफ द डे यू विल गेट अ सर्वर, एक लिनक्स सर्वर या विंडोज सर्वर मिलेगा, लेकिन वो लोगों ने अपना अलग तरीके से उसको नाम दे रखा है, इवन दो सेम चीजें रहती है बट नाम चेंज करके दे रखा है। तो जो रियूजेबिलिटी का यहाँ पर मतलब रहता है ना, कि यू हैव द सेम आइडिया, सेम कंसेप्ट, सेम सिंटैक्स, विच यू कैन इजिली गो एंड राइट, तुमको फिर से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। दैट इज नॉट द केस विद द क्लाउड फॉर्मेशन। क्लाउड फॉर्मेशन अगर तुमने पूरा सीख लिया है,
तो नॉट तुमको सिर्फ कोड चेंज करने की इस बात नहीं है यहाँ पे, तुमको पूरा का पूरा सीखना है अभी फॉर्म टेम्पलेट्स का सिंटैक्स कैसा होता है, उसको किस तरह से अरेंज करना है, क्या कैसे होगा, तो तुमको पूरा ऑल टुगेदर यू हैव टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज। अब तुमने 4-5 साल क्लाउड फॉर्मेशन पे काम किया, तुमको एक्सपर्टीज आ गई उसके, तुमको गॉचास जो बोला जाता है जो प्रोग्रामिंग में यूज होता है, गॉचास जनरली टिप्स एंड ट्रिप रहता है, ये वर्ड गॉट यू करके रहता है, तो ज्यादातर उसको इंग्लिश मतलब नेटिव जो नेटिव स्पीकर रहते हैं इंग्लिश इसके, तो उनका मतलब टी यू रहता है तो च का साउंड आता है उनका हमेशा, तो वहां से निकला हुआ है और उसका मतलब सिर्फ टिप्स एंड ट्रिक्स रहता है और आईटी में यूज होता है गॉचास। तो लाइक तुमको कोई टिप्स तुमको ट्रिक पता है कि हाँ मैं इसको इस तरह से लिखूंगा ये लाइन को तो यहाँ से ये इतना इफिशियंट रहेगा, तो तुमने सब सीख लिया था क्लाउड फॉर्मेशन में, अब तुमको आम टेम्पलेट में वो काम नहीं आने वाला क्योंकि कम्प्लीटली डिफरेंट है, तुमने 4-5 साल लगाया इसको सीखने के लिए, तो ये एक प्रॉब्लम था आई मीन मतलब लोगों के सामने एंड दैट इज द प्रॉब्लम दे सॉल्व इट। उन्होंने लिया, उन्होंने एक अपना बना दिया है यहाँ पर टेराफॉर्म और वो हर क्लाउड पे काम करता है, तो इनिशियली 2 क्लाउड पे ही स्टार्ट हुआ था लेकिन अब वो ऑलमोस्ट 1700 क्लाउड पे काम करता है, मतलब 1700 क्लाउड पे काम नहीं करता। टेराफॉर्म क्या करता है, ये क्लाउड को टेराफॉर्म बोलता है प्रोवाइडर्स। 2018 में टेराफॉर्म के पास में 19 प्रोवाइडर थे, मतलब दे वर एक्चुअली ओनली डीलिंग विद द आईएएस एंड पास क्लाउड, और वो ये इतने सारे ये क्लाउड अभी बहुत सारी कंपनीज हैं जो सिर्फ इसमें स्पेशलाइज्ड है। अभी तुमको हमको मेजर क्लाउड पता है जो कि आईएएस पास सास तीनों सर्विस दे रहा है, AWS Azure क्लाउड देन अलीबाबा है और डिजिटल ओशन है, लिनोड है, IBM का है, बहुत सारे, बट बहुत सारे ऐसे भी क्लाउड कंपनीज हैं जो सिर्फ पास वाला ही देती है, मतलब सिर्फ पास के ही वो सिर्फ पास वाला ही प्रोडक्ट देती है और कुछ नहीं, और बहुत सारे ऐसे कंपनीज है जो सास देती है, मतलब लिटरली बहुत है, जीमेल उठा सकते हो, गूगल सूट उठा सकते हो, जो गूगल डॉक्स है वो ले सकते हो, सेल्सफोर्स है, तो गूगल के अभी इसलिए हम लोग रिलेट कर सकते हैं, दीज आर ओपन सोर्स या एवरीबॉडी कैन रिलेट, लेकिन कंपनी में तो बहुत सारे मतलब कॉर्पोरेट लेवल के टूल्स यूज होते हैं, SAP बड़ी कंपनी उसका यूज होता है। इनके स्टार्टिंग में सिर्फ ये थे, अभी इनके प्रोवाइडर ऑफिशियल प्रोवाइडर ऑलमोस्ट 1900+ है, तो इन्होंने क्या कर दिया, हर वो एप्लीकेशन को यूज कर लिया है जिसमें API सपोर्ट करता। पहले ये क्लाउड का भी मतलब वही है, अभी क्लाउड को समझने के लिए ना तुमको एक चीज वही समझना पड़ेगा कि API क्या रहता है, मतलब बिकॉज एवरीथिंग लिटरली बॉइल्स डाउन टू API। क्लाउड पॉसिबल हुआ बिकॉज ऑफ API, ठीक है, तो ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब पॉसिबल हुआ है बिकॉज ऑफ द API, और API तो अभी देखो तुम, वी आर नॉट अ प्रोग्रामर्स, वी डोंट नीड टू अंडरस्टैंड, लेकिन मैंने बार बार बताया हूँ कि मॉडर्न एप्लीकेशन को इंटरेक्ट करने के लिए 3 तरीके होते हैं, अगर किसी ने क्लाउड का, और यहाँ पे आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल हैव डन समथिंग ऑन द क्लाउड, सो यू नो कि क्लाउड को इंटरेक्ट करने के लिए हम लोग कंसोल यूज करते हैं, राइट, डायरेक्ट UI, एंड दैट्स फॉर द एंड यूजर्स, तो कंसोल हम लोग यूज करते हैं, राइट, एंड ये क्या रहता है, जिसको UI बोला जाता है या GUI बोला जाता है, यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI बोला जाता है इसको, पढ़ने के लिए GUI पढ़ा भी जाता है, GUI पढ़ सकते हो या फिर जस्ट सिंपल UI बोल सकते हो, राइट, तो दैट्स अ वन वे टू इंटरैक्ट, राइट, ये तुम ये क्लाउड को इंटरैक्ट करने के लिए ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या रहता है, CLI का रहता है हमारा, राइट, कमांड लाइन इंटरफेस से हम लोग कर लेते हैं, तो वो हमारा CLI है। इसके लिए क्या है, तुमको एडमिन लेवल की अंडरस्टैंडिंग आना चाहिए। UI के लिए, UI किसके लिए, एंड यूजर है, एनीबॉडी कैन डू इट, राइट, बिकॉज पूरा ग्राफिकल है, तुमको जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड इट एंड डू इट, तो कोई भी कर सकता है। अब CLI के लिए यू नीड कौन चाहिए, तुमको सिक्स एडमिन वाले लोग चाहिए ज्यादातर, आई मीन अगेन एनीबॉडी कैन डू इट प्रोवाइडेड दे नीड टू लर्न, और डेवलपर्स भी कर सकते हैं, दैट्स नॉट, बट बनाया गया है स्पेशलिस्ट और प्रेफर्ड टूल है फॉर सिस एडमिन्स, राइट, एंड देन फाइनली हमारे पास में API आता है जो कि वेरी न्यू कंपेयर टू द अदर टू, न्यू भी मतलब बोला जाए तो 20 साल पुरानी है, राइट, 18 साल पुरानी इन्वेंशन है ये, अभी भी ऐसा नहीं, और ये पूरे डेवलपर्स के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, ये भी इसी क्लाउड पे जाता है और ये भी जाता है, ओके, तो API के लिए मतलब वी आर नॉट द वन गोइंग टू बी वर्किंग ऑन द API, सो वी रियली डोंट नीड टू नो, मतलब बहुत ज्यादा उसको समझने की जरूरत है नहीं हमको, यू इफ यू वांट यू कैन वर्क,
मतलब कर सकते हो काम। अब एपीआई पे काम करने के लिए तुमको क्या आना चाहिए, तुमको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए। एपीआई को कॉल करने के लिए तुमको तुमको पाइथन यूज करना पड़ेगा, गो यूज करना पड़ेगा, या फिर नोड है। अभी हम लोग देखें, मैं तुमको दिखाता हूँ AWS के जो सपोर्टेड है। नॉट एवरी लैंग लाइक तुमको सी लिखना है, सी में एपीआई लिखना नहीं है क्योंकि सी सपोर्ट नहीं करता। तुमको पुराने लैंग्वेजेस लिखना है, करना है, तो वो एपीआई नहीं अंडरस्टैंड कर पाती है, तो पुरानी लैंग्वेजेस नहीं यूज होती है एपीआई के लिए। मतलब सपोर्ट वपोर्ट लाया जाएगा तो अलग बात है, लेकिन मॉडर्न लैंग्वेज ही एपीआई से ये कर सकती है, राइट। तो तुमको ये आना चाहिए। और एकदम अगर तुम एडमिन लेवल पे हो तो तुमको ये एक कर्ल करके एक टूल है जो CLI के लिए बनाया हुआ, राइट, उससे भी हम लोग कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही बेसिक यूसेज देगा, तुम यू वोंट बी एबल टू डू इट। ये बेसिक देगा, प्लस ये ओनली एडहॉक के लिए ठीक है। एडहॉक अगर तुमको करना है, अगर तुमको कॉम्प्लेक्स चीजें कॉल करनी है, इन्वोक करना है या क्रिएट करना है, तो यू वोंट बी एबल टू डू दैट विद द कर्ल। बहुत ज्यादा मतलब मेसी हो जाएगा, एंड इट वुड बी लॉट बेटर टू डू इट विद द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रादर देन डूइंग जस्ट विद द कर्ल। सो हम लोग कर्ल कमांड यूज करते हैं डाउनलोड ऑनलोड करने के लिए। वी कैन एक्चुअली इन्वोक द APIs एज वेल एंड गेट द जॉब डन। अगर मुझे EC2 इंस्टेंस बनाना है, मैं API इन्वोक कर सकता हूँ कर्ल कमांड से, दैट्स परफेक्टली डूएबल। लेकिन वो बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा, मेसी हो जाएगा, तो नॉट अ वेरी प्रेफर्ड वे टू डू इट। बट टेक्निकली इफ यू वांट टू डू इट, दैट्स पॉसिबल, राइट, क्योंकि कर्ल में है उतनी कर्ल है और वेब इन्वोक रिक्वेस्ट करके आती है, ये पावर शेल में रहता है, इन्वोक वेब रिक्वेस्ट ऐसा कुछ है, गलत लिख दिया हूँ, बट पावर शेल में कमांड लेट रहते हैं। और ये टूल्स है हमारे पास में, अगर तुम विंडोज पे हो पावर शेल में तो कमांड लेट रहते हैं, जिसके अंदर पावर शेल के ये ऐसे तो यूज करके हम लोग कर सकते हैं, बट बहुत ही बेसिक मिनिमम तुमको फीचर देता हूँ। आप समझते हैं कि वॉट इज API, ठीक है। तो लाइक आई सेड, API दैट्स नॉट आर कप ऑफ टी, राइट, मतलब जस्ट इन जनरल बोल रहा हूँ। तुमको समझना है तो समझ सकते हो आगे जाके, तो ऐसा अब ये मत देख लेना कि भाई यहाँ पे तो बोल दिया था सर ने कि API हमारा खाई नहीं तो हम लोग देखेंगे ही नहीं। लेकिन जमाना API ड्रिवन हो रहा है, और तुमको आएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आएगा तो जरूरत तो पड़ेगी ही, क्योंकि बहुत चीजें चेंज हो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आ रहा है। अभी API चल रही है तो API गेटवे आ जाता है, API का पूरा API का खुद का उसका आर्किटेक्चर है, API आर्किटेक्ट्स के जॉब्स आ गए हैं। तो समथिंग यू हैव टू सूनर और लेटर स्टार्ट लर्निंग इट, बट इतनी अभी फिलहाल के लिए प्रेसिंग जरूरत नहीं है हमारे लिए, ठीक है। अब API के लिए मतलब एकदम सिंपल एग्जांपल जो बहुत सारे लोग देते हैं, एंड दैट एग्जांपल इज होटल का एग्जांपल ले सकते हैं, होटल एज इन रेस्टोरेंट, नॉट अ होटल जहाँ पे हम लोग स्टे करते हैं, जहाँ पे हम लोग खाना खाते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या रहता है हमारे पास में ये रहता है, राइट, होटल में क्या रहता है, वेटर रहता है, ठीक है। और ये होटल रहेगा, इतना ये मान लो ये होटल है, ये सॉरी रेस्टोरेंट है, उसमें से होटल, बिकॉज हम लोग यहाँ पे इंटरचेंजेबली यूज करते हैं होटल, होटल मतलब रेस्टोरेंट, जाओ होटल से खाना लेकर आ जाओ, बट बाहर में होटल का मतलब है जहाँ पे तुम रहते हो, राइट, जो होटल्स रहते हैं जहाँ पे रहा जाता है, रेस्टोरेंट्स मतलब जहाँ पे तुम खाना खाते हो वो रहता है, राइट। तो इसलिए मैं ये यूज कर रहा हूँ, इंडिया में हम लोग इंटरचेंजेबली यूज कर ले रहे हैं, लेकिन बाहर नहीं होता इंटरचेंजेबली, ठीक है। तो वेटर रहेगा, एंड देन वी हैव अ कस्टमर जो कि हम रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। और हमको क्या, हम लोग होटल में आते हैं तो क्या रहता है हमारे पास में, मेन्यू रहता है, राइट, मेन्यू में से हम लोग ऑर्डर देते हैं, ठीक है। तो कस्टमर क्या करेगा, मेन्यू पढ़ेगा, और उसके बाद में मेन्यू पढ़ने के बाद में वो क्या करता है, वेटर को बोलेगा, वेटर क्या करेगा, ऑर्डर प्लेस करेगा, राइट। तो किचन में जाएगा, शेफ को बोल देगा, तो यहाँ पे हमारा शेफ है जो खाना हमको पका के देता है, मतलब उसकी ये शेफ के पास क्या रहती है, रेसिपीज रहती है, राइट, उसकी रेसिपी रहती है, ठीक है। तो उसकी रेसिपीज, अब यहाँ पे होटल का जो आइडिया कहाँ से आया कि एक एक शेफ है उसके पास, कि उसका खाना बना ऐसा टेस्टी खाना बनाता है कि वो कहीं पे नहीं मिलेगा तुमको, तो अब ये क्या हो गया, उसका सीक्रेट रेसिपी बन गया हो, राइट, उसी से वो कमा रहा है अभी, बिकॉज लोग यहाँ पे आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे टेस्टी खाना मिलता है। तो अगर किसी को उसकी रेसिपी पता चल जाएगी तो क्या हो जाएगा, उसको उसके पास लोग आना बंद कर देंगे, राइट। तो क्या हमने किया, होटल का लेकर आया कि भाई चलो होटल बनाते हैं, होटल के अंदर करेंगे, वहां पे क्या रहेगा कि हम लोग बता देंगे, ठीक है, तुमको क्या चाहिए, तुमको
तुमको ठीक है चिकन चिल्ली चाहिए, तो हमारी जो चिकन चिल्ली है वो, ये हमारा कोई सी फूड का आइटम है, तो वो सी फूड का आइटम तुमको देना है। तो जस्ट आप लोग मेन्यू में रीड करो, हम लोग जाके, हमारे पास रेसिपी है, हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं, हमारे मसाले हैं, हम लोग सब बना बना के तुमको ला के दे देंगे। अब तुम खा लेते हो, तुमको अच्छा भी लगता है, लेकिन तुमको कभी पता नहीं चलता कि उसने बनाया कैसा। द ओनली थिंग यू कैन डू इज प्रेडिक्ट, राइट? कोई वहाँ पे एक ज्यादा होशियार आएगा तो बोलेगा अच्छा इसमें ये डाला और ये डाला, चलो मैं भी कॉपी करूंगा, लेकिन ही मे नॉट बी एबल टू कम्प्लीटली रेप्लीकेट, राइट? लेकिन यहाँ पे होटल डालने से क्या हो रहा है, उसकी जो सीक्रेट रेसिपी है प्रिजर्व हो गई, वो कभी एक्सपोज नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी उसकी सर्विस वो बेच पा रहा है, राइट? दैट्स एग्जैक्टली द एपीआई। ये एपीआई में यही होता है। एपीआई में क्या है, तुमने पूरा लॉजिक लिखा हुआ है, ये तुम्हारा पूरा लॉजिक यहाँ पर लिखा है। अब तुमको क्या करना है, तुम्हारा कोड कोई कॉपी ना करे। ओपन सोर्स में क्या है, पूरा ओपन पड़ा हुआ रहता है। अब यहाँ पे तुम्हारा, तुमको ऐसा है कि तुम्हारा कोड कोई कॉपी ना करे, लेकिन फिर भी तुम अपनी सर्विस दो लोगों को कंज्यूम करने के लिए। लाइक EC2 कैसे बना रहा है AWS, हमको नहीं पता, लेकिन उसने API दे रखा है, तो हम लोग API से ऑर्डर कर देते हैं, वो हमारे लिए सर्वर बना देता है। बैकएंड में उसने क्या कोड यूज किया है हमको कभी पता ही नहीं। हमको अगर पता भी चलेगा सिस एडमिन को, तो भी हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हमको समझ ही भी नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे प्रोग्रामर्स है, हैकर्स हैं, बहुत सारे अलग अलग लोग हैं जिनको बहुत समझ में आता है। अब हमको नहीं समझ में आता तो उनका खतरा हम है ही नहीं, उनके खतरे वो लोग हैं जो, जिनको समझ में आ रहा है, जो उनके कॉम्पिटिटर्स है, ठीक है? तो दुनिया मतलब बहुत ही डिफरेंट लेवल पे चल रही है, तो वो कोड एक्सपोज ना करते हुए स्टिल दे आर सेलिंग देयर सर्विस। और यही मतलब ये कस्टमर हम है। मेन्यू जो है ये API, लिस्ट ऑफ APIs है जो मैं बताता हूँ तुमको, कि अगर तुमको APIs कॉल करना है तो EC2 की API है, गूगल कंप्यूट इंजन पे काम कर रहे तो GCE की है, अजोर पे काम कर रहे तो अजोर के है, कोई से भी ले लो तुम। मतलब यहाँ तो मैंने बताया ना कि जस्ट क्लाउड के अलावा कोई सा भी सॉफ्टवेयर रहेगा, और अगर उसने API से अपने आप को एक्सपोज कर रहा है, तो लिटरली एवरीथिंग यू कैन डू इट। दैट्स योर मेन्यू। तो मेन्यू में पढ़ो और यूज करो, ठीक है? अब तुमको क्या है, ये वेटर जो है, अब इससे बात करने के लिए तुमको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए, और वो था हमारा सब, वो कर्ल कमांड था और लैंग्वेजेस, क्योंकि इसको वही लैंग्वेज समझती है, इसको पाइथन समझती है, तो तुमको पाइथन में बात करना पड़ेगा। इसको 4-5 लैंग्वेज आती है, मतलब पाइथन आती है। तो जो जो ये होटल वाले ने बोला है, ये मतलब इसको बहुत सारी भाषा आ रही है, तुमको उस भाषा में बात करना पड़ेगा। इसको जापनीज आ रही है, चाइनीज आ रही है, कोरियन आ रही है, तो तुमको वो भाषा में बात करना पड़ेगा, अदरवाइज तुम ऑर्डर नहीं दे सकते वहाँ पर, ठीक है? वो सारी लैंग्वेज तुमको आनी चाहिए, तभी होगा। तो यही API का मतलब है। रियल लाइफ से अगर तुमको ये करना है, तो दैट्स वेरी क्लोजेस्ट एग्जाम्पल देयर। अब सिर्फ एक ही प्रॉब्लम आता है यहाँ पर, जो API में जो ये एनालॉजी है, इसको क्या बोला, एनालॉजी, जब किसी चीज को किसी से कंपेयर किया जाता है तो उसको एनालॉजी बोला जाता है, ठीक है? मतलब मिसाल दिया जाता है ना, कह रहे कुत्ते की दुम टेढ़ी रहती है, तो तुम क्या कर रहे हो, किसी से उसको कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हो, तो दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एनालॉजी, जब तुम किसी पे वो मार रहे हो। तो यहाँ पे मैंने एक एनालॉजी तुमको, रियल लाइफ एनालॉजी बताया, जो कि रिलेटेबल टू द API मैनेजमेंट जो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है? अब इसमें सिर्फ ये रहेगा कि मान लो तुमने ऑर्डर दिया है सैंडविच का, ठीक है? तो सैंडविच का ऑर्डर तुमने दिया है, सैंडविच तुमको पता है कि इसका जो बर्गर है, या फिर जो, चलो बर्गर या सैंडविच ही लेते हैं, इसकी जो सैंडविच है वो वैसी सैंडविच तुमको पूरे महाराष्ट्र में या इंडिया में कहीं पे भी नहीं मिलेगी, ठीक है? एकदम वर्ल्ड फेमस, या ऐसा बोलते हैं ना हम लोग, ऐसा टाइप है। तो इवन तो तुम बुरा खा रहे हो, लेकिन स्टिल यू डोंट नो कि किस तरह से वो क्या बना रहे हैं, मतलब उसकी रेसिपी से बनाया उसने। API में तुम क्या कर सकते हो, यू कैन एक्चुअली गिव योर ओन ब्रेड, तुम अपना ब्रेड दे दो, अपना चीज दे दो, अपना मतलब टोमेटो दे दो, और क्या रहता है, और ऑनियन दे दो, तो लेकर आओ। अभी ऐसा कोई होटल है नहीं, एटलीस्ट आई डोंट नो, मैंने कुछ ऐसे यूट्यूब पे वीडियोस देखा हूँ जो फालतू में टिकटॉकर टाइप के लोग करते रहते हैं, कि वो लोग क्या करते हैं, खुद का पूरा, एक वीडियो था विच वॉज एक्चुअली वेरी मच रिलेटेबल, इसलिए मैं बता रहा हूँ। उसने क्या किया था, खुद का ब्रेड लाया, सब लेकर आया, और उसके बाद में सब उसको डाल दिया, और उसको बोला ये पका के दे दो तुम्हारे सिलेंडर पे से, होटल में जाके उसने ऐसा किया। दैट वॉज देर डूइंग द प्रैंक, बट दैट्स द API। API में क्या है कि तुम खुद का ब्रेड लाओ, चीज लाओ, सारे तुम पूरे खुद लेकर आओ। अब इसके पास में रेसिपी है, तुम बोलो कि तुम अपना सामान मत डालो, ये लो मेरा सामान डाल के मुझे सैंडविच बना के दो, तो वो चीज नहीं होने वाली, कोई होटल ऐसे नहीं है। आगे जाके हो गए तो अलग बात है, थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन अलाउ करते हैं वो लोग, कि तुम उसको बोल दो कि हाँ थोड़ा चिली कम कर दो, ये कम कर दो, वो डाल दो, तो वो सारी चीजें कर सकते हो लोग। लेकिन तुम ब्रेड ही लेकर आ जाओगे, खुद के प्याज लेकर आ जाओगे, और बोलोगे कि भाई ये यूज करो और इसमें से हमको सैंडविच बना के दो, तो ऐसा नहीं होगा। कोई होटल अभी तक तो नहीं करता, प्लीज, मुझे तो नहीं पता। ये चीज तुम API में कर सकते हो। API में तुम अपना पूरा कस्टम डेटा फीड कर सकते हो, तुम पूरा डेटा अपना दोगे वहां पे, उसका लॉजिक चलेगा, आ जाएगा, राइट? तो यही पूरा API है। अब API का तुमको बेसिक समझ में आएगा, अब तुम जाके कोई सी भी फॉर्मल डेफिनेशन पढ़ोगे ना, तो तुमको आसानी से समझ जाएगा।
क्योंकि बहुत सारे अभी तुमको जब एपीआई नहीं पता है तो तुम फॉर्मल डेफिनेशन पढ़ते हो तो नहीं समझ में आता, लेकिन अब एक बार कंसेप्ट ब्रेक कर दिया है उसके बाद में तुम जाके पढ़ोगे तो तब तुमको समझ में आएगा। और अगर तुमको किसी को कल को एक्सप्लेन करना है, मतलब इफ यू आर टीचिंग समवन यू कैन एक्चुअली गिव दिस एग्जांपल, बट इफ यू आर एक्चुअली एक्सप्लेनिंग समवन इन कंपनी और इन जनरल विद योर कलीग, तो उसको ये एग्जांपल से नहीं समझाना, उसको फॉर्मल डेफिनेशन से देना, बिकॉज तब जाके तुम्हारा इम्पैक्ट आएगा, तब तुम्हारा इंप्रेशन बनेगा। तुम ऐसे दोगे एग्जाम्पल तो एकदम एमेच्योर लगेगा, बिकॉज आई हैड टू कम अप विद दिस एग्जाम्पल राइट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड। ये क्या ये आईटी में चलता है एक्सप्लेन मी लाइक आई एम 10 और एक्सप्लेन मी लाइक आई एम 5, तो उसके लिए समझाया गया। अब तुम इसी को समझ के इसी को तकिया कलम बना के आगे बढ़ोगे तो दैट्स नॉट गोना हैपन, दैट्स वोंट हेल्प योर इमेज। तुम्हारी इमेज तुमको बरकरार रखनी है तो तुमको वो जो जो वर्बिया चल रहे थे ना वो टर्म्स वो फेंकना है, कम्युनिकेशन में अपने वो लेकर आना है, इसलिए मैं बार बार सारे बता रहा हूँ। तो अब अंडरस्टैंड करने के बाद में यू कैन गो एंड रीड अबाउट वन फॉर्मल डेफिनेशन और उसी को पकड़ के चल सकते हो, बट दिस इज व्हाट द एपीआई इज। ठीक है, तो ये सारा हो गया एपीआई। अब यहाँ पे अब सिंस वी आर ऑन द रेस्टोरेंट राइट, इसके अंदर में हम लोग इसको भी ला सकते हैं, टेराफॉर्म भी ला सकते हैं। अब टेराफॉर्म ने क्या किया यहाँ पर, टेराफॉर्म ने अब तुमको आ गया लैंग्वेज बैरियर राइट, तुमको एपीआई से काम करना है लेकिन तुमको एपीआई आती नहीं है, तो टेराफॉर्म किसका काम करता है, तुमने एप्लीकेशन यूज की होगी राइट, जोमैटो स्विगी और उबर ईट्स वगैरह, वही टेराफॉर्म है। टेराफॉर्म क्या कर रहा है, 4-5 होटल को तुम्हारे बिहाफ पे एक लैंग्वेज में तुम दे दो, कोई सी भी कंट्री में जाओ, और अगर उबर ईट्स मतलब वर्ल्ड वाइड है, जोमैटो स्विगी तो ये नेशनल लेवल पर ही है, इंडिया के पास नहीं रहता ये, तो जो उबर ईट्स पे तुम जाओ कोई सी भी कंट्री में जाओ तुम इंग्लिश में ऑर्डर दे सकते हो, वो उबर ईट्स तुम्हारा ऑर्डर जाके उस होटल को चाइनीज में किसी जो भी तुम जहाँ पर हो वहाँ पे दे देगा। टेराफॉर्म वही काम कर रहा है तुम्हारे लिए, टेराफॉर्म तुम्हारा ऑर्डर, टेराफॉर्म इज नथिंग बट योर ऑनलाइन एप्लीकेशन जहाँ से तुम ऑर्डर दे रहे हो, और वो तुम्हारे बिहाफ पे क्या करता है, होटल में जाके ये करता है। तो उसका बैकएंड में तुमको पता है रियल लाइफ में राइट, उसका एक बंदा है, उसकी एप्लीकेशन है वहाँ पे लोगों ने डाल रखा है, उसका एक बंदा है जो हमको ला के देता है राइट। तो टेराफॉर्म को भी तुमने वैसे ही सोच सकते हो कि टेराफॉर्म एक बंदा है जो हमारे बिहाफ पे क्लाउड पे जाएगा और सब कर देगा काम। ठीक है, तो अब वो क्लाउड पर, अगर मैं किसी को बोलता हूँ यहाँ पे तुम लोग जाओ क्लाउड पर और मेरे लिए सर्वर बनाओ, तो तुम क्या बोलोगे, सर ठीक है मुझे लॉगिन दे दो, ऑथेंटिकेशन दो राइट। तो टेराफॉर्म भी वही मांगने वाला है, और ये चीज तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए कि बिना ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन की कुछ भी काम नहीं होता, कोई सी भी एप्लीकेशन हो क्या भी हो तुमको ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन चाहिए राइट। जो मैंने बार बार बताया हूँ सिक्योरिटी लेवल में, जो हमें पहले तुम्हारा ब्लॉकर आएगा जिसमें बताया था राइट, पहले तुम अगर नेटवर्क पे बात कर रहे हो तो डीएनएस लेवल का तुम्हारा ब्लॉकर रहेगा, फिर फायरवॉल लेवल का आएगा, फिर उसके बाद में ऑथ आएगा, ऑथ जी, और सम टाइम अगर इंक्रिप्शन इनेबल है तो सर्टिफिकेट मांगेगा राइट। तो इतने सारे लेवल के तुमको ये आने वाले हैं, इसको तुमको बाईपास करके जाना है। ठीक है, और सबका हमने देखा भी था कि सब टाइम पे एरर क्या आएगा, सारे लिनक्स लेक्चर में बता रखा है, मैंने लिनक्स लेक्चर डे वन से मैंने तुम लोगों को ऐसा बताया था कि सारे तो प्रोडक्शन सिनेरियो में केसेस आते हैं। अब तुमने जस्ट एक बार उसको हाँ देख लिया होगा कि ठीक है चलो एक कॉलेज का लेक्चर है स्कूल का लेक्चर है वैसा देखते हैं आगे बढ़ते हैं, तो वैसा नहीं होगा क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारी चीजें बताई, एक एक लेक्चर में मैं इतने सारे वर्ड्स बता रहा हूँ, तुम उसको प्रॉपरली नोट बना के, नोट बनाना भी दैट एक चीज है, लेकिन उसको नोट बनाने का मकसद क्या है कि तुम्हारे अंदर में आ जाए, तुम्हारी जबान पे वर्ड आए और ऐसा कन्वर्जन फास्ट हो, क्योंकि जब हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है तो जब भी हम लोग बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कन्वर्जन होता है। जो लोग फ्लुएंटली बोलते हैं ना, जिनको बोलते हैं इनकी इंग्लिश बहुत फ्लुएंट है, उनका कन्वर्जन बहुत फास्ट हो रहा है, सिंपल इज दैट। तो तुमको भी अपना कन्वर्जन फास्ट करना है, ऐसा करके बात करोगे तो वहां पे अब दैट इज द रियलिटी, दैट्स अ हार्श रियलिटी के इंग्लिश यहाँ पे बिकती है, तो आई कांट डू दैट राइट। अब हम लोग 150 मिलके वी कैन नॉट चेंज द रियलिटी, अब जो हो गया यहाँ पे मतलब मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पीपल हैव एक्सेप्टेड इट, तो वी फ्यू हंड्रेड पीपल कांट चेंज दिस राइट। तो इंस्टेड ऑफ चेंजिंग दैट वी कैन चेंज आवर सेल्फ, हम लोग सिंपल अपने अंदर चेंज ला सकते हैं, वी कैन लर्न दिस लैंग्वेजेस और ये कर सकते हैं। तो वो चीजें करनी है तुमको राइट, जो भी टर्म्स यहाँ पे बताए जा रहे हैं जो इंग्लिश भी है प्लस आईटी के भी टर्म्स है, तो इंग्लिश अलोन इज नॉट इनफ, इंग्लिश के साथ साथ तुमको आईटी के टर्म्स भी आने चाहिए जो हर कोई यूज करता है। ठीक है, तो दैट्स एपीआई एंड दैट्स टेराफॉर्म राइट। टेराफॉर्म मतलब तुम उसकी तरह से काम कर रहे हैं। अब तुमको मतलब एक लेमैन टर्म्स में बताया मैंने राइट, लेमैन टर्म्स वही बात हो जाती है, वर्ड लिख देता हूँ यहाँ पर सो यू कैन अंडरस्टैंड, बाद में इसको गूगल कर सकते हो, मीनिंग ले सकते हो, उसका यूसेज देख सकते हो सेंटेंस में किस तरह से यूज हो रहा है, और
ये सारी चीज करोगे ना तभी फायदा होगा, नहीं करोगे तुमको ऐसा लगेगा कि हाँ चलो हमने सुन लिया, हमको समझ गया, आ गया हम तो। लेकिन जब तुम बात करने जाओगे ना तो नहीं आएगा तुम्हारे इस पे, तो यू हैव टू डू दैट वे। वही एक चीज काम करती है, मतलब जो वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन है एलॉन मस्क, राइट, उसने बोला हुआ है कि वो ही वर्क 16 आवर्स अ डे, एक दिन में 16 घंटे काम करता है वो, एक हफ्ते में 7 दिन काम करता है वो, और एक साल में 52 हफ्ते काम करता है वो। तो उसका बोलना ऐसा है कि तुम अगर ऐसा करोगे तो तुमको कोई भी चीज के लिए लक की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब यू डोंट नीड अ लक। और वो उसका भी वही बोलना है कि मैंने इतना 30 साल तक मैंने ऐसा किया हूँ और स्टिल लोग मुझे बोलते हैं आई एम लकी, कि उसने जो भी अचीव किया है। तो उसके पीछे बहुत है, वो आइसबर्ग वाला भी एग्जाम्पल मतलब मैं बार बार देता हूँ कि छोटा सा टिप दिखता है तुमको एज ए सक्सेस, लेकिन हार्डवर्क नीचे बहुत सारा रहता है। तो यू हैव टू पुट ऑल, यू हैव टू पुट एवरीथिंग इन वर्क। और हर किसी को प्रॉब्लम रहता है, कुछ ना कुछ सबके अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं, उसके बाद करना रहता है। ऐसा नहीं है कि हाँ हमारा चलो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, मेरे घर में ये है, किसी की शादी हो रही है, किसी का कुछ हो रहा है, बच्चे सता रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो तुमको ऐसा वही चीज करने के बाद ही मतलब ये होता है प्रेशर में आके करोगे तभी जाके तुमको शेप आएगा। तुमको ऐसा लगेगा कि हाँ चलो एक बार फ्लैट लाइन आ जाएगी तो दैट वुड बी द एंड ऑफ योर लाइफ। फ्लैट लाइन तभी आती है ना जब खत्म हो जाता है इंसान, जब तक जिंदा रहता है तो अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। यू हैव टू डू इट डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस। तुमको ऐसा लगेगा कि नहीं अभी सब मेरा ये हो जाएगा तभी मैं करूंगा, तो वो टाइम कभी आने वाला नहीं है। लाइफ का मतलब मीनिंग ही वही है कि तुमको अप्स एंड डाउन आते रहेंगे थ्रू आउट, तो ये सब सारी चीजें करके करना है। तो टेराफॉर्म पे आते हैं, टेराफॉर्म का इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं, व्हाट इज दैट, राइट। सो टेराफॉर्म का यूसेज समझ में आ गया, मतलब स्टार्टेड विद द क्लाउड, क्लाउड से स्टार्ट हुआ था इस AWS, देन डिफरेंट क्लाउड, देन क्लाउड के इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्ट किया था उसने पैस सैस, और राइट नाउ एनी एप्लीकेशन जिस जो अपने आप को API से एक्सपोज करती है, अब हम भी लिख सकते हैं एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लेकिन हमारी लैंग्वेज को हमको उसको CLI कॉम्पैटिबल बनाना पड़ेगा, API कॉम्पैटिबल बनाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डेवलपर को बिठाना पड़ेगा, कोड लिखवाना पड़ेगा, तो ज्यादा काम बढ़ता है। एंड दैट्स व्हाट द कंपनीज कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस आर डूइंग इट नाउ, लेकिन उसके लिए काम बढ़ जाता है। तो इट्स नॉट लाइक कि हर एप्लीकेशन API ड्रिवन है या API कॉम्पैटिबल है, वो API सपोर्ट करती है। API सपोर्ट अगर तुमने डाला है तभी होगा वो, नहीं तो ऑटोमेटिक नहीं होने वाला ये सारा चीज। तो एज अ कंपनी इफ यू हैव इनेबल्ड, इफ यू हैव हायर्ड द डेवलपर्स और आर्किटेक्ट्स हु कैन डिजाइन द API फॉर यू एंड डेवलप इट, देन तुम्हारे एप्लीकेशन में आएगा, अदरवाइज नहीं आने वाला ये सारी चीजें तुम्हारे एप्लीकेशन में। तो एनी एप्लीकेशन दैट इज API ड्रिवन वो चल जाएगा, ठीक है। टेराफॉर्म अब API पे काम कर रहा है, और टेराफॉर्म तो उसके लिए कि अब हमको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करना पड़ेगा, कि ये अगला क्वेश्चन आ सकता है, राइट। क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ पे क्या है, अभी एक्चुअली में हम लोग AWS को लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, दिस इज AWS क्लाउड, राइट, और ये हमारा API है, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग कुछ भी रिसोर्स बना सकते हैं हम लोग। अब कुछ यहाँ पे ये आता है कि ठीक है, ये हमारा टेराफॉर्म आ गया। टेराफॉर्म क्या कर रहा है, हमारे बिहाफ पे ये कर लेता है, API से बात कर रहा है। अब API ने तो बोला है कि भाई मैं इतनी लैंग्वेज ही समझता हूँ, वेटर है हमारा, राइट, तुम ऐसा समझ सकते हो। ये बोल रहा है कि ठीक है मुझसे बात करना है तो पाइथन में बात करो, या गो में बात करो, या नोड में बात करो, या जावा में बात करो, सी प्लस में बात करो, और डॉट नेट में बात करो, ये कुछ लैंग्वेजेस हैं जो मुझे समझ में आती है, इसमें बात करना पड़ेगा तुमको। तो टेराफॉर्म क्या कर रहा है, ठीक है, टेराफॉर्म ने एक लैंग्वेज पकड़ लिया, बोल रहा है ठीक है इतनी लैंग्वेज है ना मुझे गो आती है, तो टेराफॉर्म पूरा गो लैंग्वेज में लिखा हुआ। टेराफॉर्म पे काम करने के लिए क्या हमको भी गो लैंग लिखना पड़ेगा, नहीं, हमको ये करने की जरूरत नहीं है। टेराफॉर्म ने क्या, हम लोग को एक ऐसा एक इनपुट फॉर्म दे रखा है, जो हम लोग टेराफॉर्म को इनपुट फॉर्म दे देंगे, और वो इनपुट फॉर्म जो है हमको लिखना है HCL लैंग्वेज में। इसके अंदर में जो था ना, वो जो चीज के तुमने ब्रेड देना है कि भाई ये ले लो मेरा ब्रेड, ये ले लो मेरा ऑनियन, इतना क्वांटिटी, ये ऐसा वैसा, वो सारी चीजें तुमने इनपुट में ऐसा देना है टेराफॉर्म को। यहाँ पे पूरा लिख देना है कि तुमने जो भी HCL में रहेगा सारे तुम्हारे इनपुट यहाँ पे तुमको देना है, HCL के बारे में भी बात करते हैं, और वो तुमको टेराफॉर्म को दे देना है। टेराफॉर्म क्या करेगा, ये सारा इनपुट लेगा, उसको कोड में कन्वर्ट करेगा गोलैंड में, और फिर API इन्वोक करेगा वो, और फिर जो API इंजन है यहाँ पर वो लेगा और वो प्रोसेस करेगा, और तुमको क्या बना के दे देगा यहाँ पर EC2 इंस्टेंस, जो तुमने अगर इसके लिए किया होगा तो, राइट, अगर S3 बकेट के लिए किया है तो उसका आ जाएगा, कोई सा भी सर्विस ले सकते हैं। सेम गोज विद गूगल एज वेल, यू कैन जस्ट सिंपली चेंज द नेम हियर।
हम लोग कंसेप्चुअली बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उनको क्या करना पड़ेगा, इन ऑर्डर फॉर यू टू डू द टेराफॉर्म यू हैव टू लर्न दिस एक्सेल, यू डोंट नीड टू लर्न द गोलैंग। अगर तुमको ये, चलो AWS का गोलैंग पूरा लिखा हुआ है और लाइक आई सेड के ऑलमोस्ट 1900 प्लस, राइट, यहाँ पे कहाँ गया ये प्रोवाइडर्स, राइट। तो यहाँ पे प्रोवाइडर, इसको प्रोवाइडर बोला जाता है। तो प्रोवाइडर का मतलब क्या है कि किसी ने कोड लिख के रख दिया है, मतलब गो लैंग्वेज में जो है किसी ने कोड लिखा हुआ है। तो अभी पहले एक काम करते हैं, तुम लोगों को जो API सपोर्टेड है ना वो दिखाता हूँ। AWS स्क्रीन दिख रही है क्या? दिख रही हाँ दिख रही। है, ओके। तो उसका ये तो एक लैंग्वेज में, ये तो इसका एग्जाम्पल बताया है, एक मिनट, इसका गाइड में देना पड़ेगा, पीछे में बहुत ज्यादा आसान रहता है। ये API गेटवे तो उसकी सर्विस आ गई है, AWS APIs। हाँ सपोर्टेड लैंग्वेजेस आता है, अभी इसमें डॉक्यूमेंट्स में थोड़ा वो चेंजेस हो गया, रिक्वायर्ड लैंग्वेज। तो देखो यहाँ पर ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है ये सपोर्ट करता है, और API से तुमको काम करना है तो यहाँ पर API का रेफरेंस दिया हुआ है कि क्या है उसमें, कौन से पैरामीटर्स देने पड़ते हैं, वो सारी चीजें हैं। और अगर तुमको पर्टिकुलर इस पे काम करना है कि उसको गो में काम करना है, तो गो में है इसका सपोर्ट, जावा में है, जावा स्क्रिप्ट में है, PHP, पाइथन, रूबी और .NET और C++, ठीक है। इतने ही है, इसके अलावा बहुत सारे दूसरे भी लैंग्वेजेस हैं लेकिन वो लैंग्वेजेस का सपोर्ट नहीं है उनका। तो ये इतने, मतलब ये इसी तरह से तुमको ये मिल जाएगा। अब हम लोग करने वाले नहीं है, तो डेवलपर का ये है, डेवलपर का वो वही ब्रेड एंड बटर जैसा है, डेवलपर शुड नो। उसको अगर किसी से करना है तो उसमें ये उसको पता रहना चाहिए कि API कहाँ से ढूंढना है, और पूरा का पूरा कोड मिल जाता है। मतलब यहाँ पे एग्जाम्पल में ना वो लोग हर लैंग्वेज में तुमको बता देंगे कि तुमको पाइथन में करना है तो तुमको पाइथन में ये पूरे ये बता देगा। पाइथन का तो बोटो करके लिखा हुआ ही है, और गो का भी, क्योंकि हमारा टेराफॉर्म गो यूज करता है, तो लेट्स सी। ये इतना तो मैंने भी एक्सप्लोर नहीं किया उसको, लेकिन वहाँ पे देखते हैं उसका आएगा। अब उसको करने के लिए ऐसा है कि वहाँ पे वो बता देगा यूसेज, जैसे यहाँ पे बता है पैरामीटर्स वगैरह, लेकिन तुमको ये आना चाहिए। अब गो तुमको आएगा तो तुमको समझ में आएगा कि क्या चीज़ यहाँ पे क्या चल क्या रहा है, मैं किस तरह से करना है, ये फंक्शन है इसके अंदर में क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी है। तो अगर तुमको प्रोग्राम आएगा तो जाके तुम्हारा ये प्रोग्राम बनेंगे, क्योंकि ये गो का प्रोग्राम है। यहाँ पर अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ पे पाइथन का है, तो उसकी एक गो लाइब्रेरी है जिसमें ऑलरेडी बहुत सारे मॉड्यूल्स लिखे हुए हैं, तो हम लोग उसको आसानी से कॉल कर सकते हैं। तो उस तरीके से ये सारे कोड यहाँ पर है, तो अगर कोई डेवलपर रहेगा तो सारी चीजें काम करने वाला है। अब हर फंक्शन में जो डेटा रहता है, हम लोग वो डेटा HCL के फॉर्म में देंगे, ठीक है।
ऑक्टा फॉर्म में जो प्रोवाइडर है वो दिखाता हूँ तुमको, जो गो में पूरा लिखा हुआ है। तो AWS प्रोवाइडर टेराफॉर्म करेंगे हम लोग। इसके यहाँ पर आ जाते हो ऐसे डॉक्यूमेंटेशन में भी, अगर यहाँ भी आ गए तो ओवरव्यू में जब जाओगे तो यहाँ पे देखो इसने ये क्या बोला, ये ऑफिशियली सपोर्टेड है बाय हैशिकॉप। तो यहाँ पे मतलब प्रोवाइडर में जब भी आओगे तो ये लेबल वगैरह यहाँ पे रहता है, ये आगे देखेंगे हम लोग उसके बारे में भी अच्छे से। तो ये ऑफिशियली सपोर्टेड बाय हैशिकॉप है। बहुत सारे ऐसे रहेंगे जो कम्युनिटी डेवलप रहेंगे जिसमें हैशिकॉप ने सर्टिफाइड भी नहीं किया होगा, तो वैसे भी टाइप करेंगे। तो ये लेबल यहाँ पे देखना कभी यूज कर करना करना है। अगर तुमको यहाँ पे मिल रहा है तो वो चले जाता है, मतलब उसके अलग वो कम्युनिटी होगा या सर्टिफाइड होगा या फिर ऑफिशियल होगा। इसका देखो सोर्स कोड यहाँ पर है, बिकॉज इट्स ओपन सोर्स, सोर्स कोड इज हियर। ये पूरा का पूरा जो लिखा हुआ है ज्यादातर गिटहब पे ही रहता है, अभी स्लोली स्लोली गिटलैब पे भी देखने को मिल रहा है सारी चीजें। अब गिटहब पे अगर तो यूआई का डिफरेंस आएगा, कोड तो वही रहने वाला है, यहाँ पे फैसिलिटी तुमको गिट की ही दे रहा है, राइट, गिट करने वर्जन कंट्रोल की। यहाँ पे देखो लैंग्वेज ऑलमोस्ट 100% पूरा का पूरा जो है गो में लिखा, राइट, और एकदम माइन्यूट शायद से बाकी इसमें भी कुछ किया हुआ है, मेक फाइल एचसीएल वगैरह किया हुआ है, और शेल में भी थोड़ा बहुत है पाइथन, लेकिन पूरा 100% कोड जो है गो में लिखा हुआ है। थोड़े थोड़े फाइल्स ये है, लेकिन ऑलमोस्ट 100% यू कैन से यहाँ पे एकदम बहुत ही कम एक दो फाइल होगी, इसलिए वो नहीं दिखा पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कोड्स होंगे और बहुत सारे इसके कमिट्स भी होंगे, मतलब बने हुए सबसे। तो 51,000 कमिट्स है इसके अंदर, मतलब उतने कमिट्स आए हुए। अब ये पूरा कोड जो है ये लिखा हुआ, अगर तुमको आता है तो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है कि EC2 ये किस तरह से बना रहा है। अब ये EC2 किस तरह से बना रहा है, ये रेसिपी नहीं है AWS वाली, मतलब जो होटल के एग्जाम्पल में अगर रेस्टोरेंट के एग्जाम्पल की बात करते हैं, ये है कि वेटर से किस तरह से बात किया जा रहा है, वो पूरा कोड ये है, ठीक है। और तुमको एक कॉमन लैंग्वेज दे दिया है, नो मैटर कौन से टाइप का वेटर हो तुम खाली ये लैंग्वेज में बात करो, तुमको वेटर की जो कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज भी समझने की जरूरत नहीं है, तुमको API में बात करना है तो भी प्रोग्रामिंग करने की जरूरत नहीं है, तुम हमको सिर्फ HCL में दे दो। HCL का फुल फॉर्म है हैशिकॉप लैंग्वेज, ठीक है, और ये है एक DSL, DSL का फुल फॉर्म है डोमेन स्पेसिफिक, ठीक है, डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज है। तो दूसरे टाइप की दूसरी कौन सी लैंग्वेज रहती है, सुना तो सपने होगा लेकिन पता नहीं होगा, यहाँ पे तुमको जनरल पर्पस लैंग्वेज, नई नई बात तो नहीं बोल रहा, जनरल पर्पस लैंग्वेज तो सबने सुना ही होगा, और नहीं तो कॉलेज में अगर किसी ने किया है तो डेफिनेटली यहाँ पे तो सुना ही होगा तुम लोगों ने। तो ये जो है DSL है, DSL एक स्पेसिफिक डोमेन के लिए और स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया जाता है। तो ये आउटसाइड ऑफ हैशिकॉप कहीं पे तुमको नहीं मिलेगा, ठीक है, उसने तो नाम में ही डाल दिया है कि हमारी लैंग्वेज है भाई, तो तुम यूज करने के लिए कर सकते हो, प्रॉब्ली नोबडी इज गोना स्टॉप यू, बट यू हैव टू डेवलप योर ओन लॉजिक, जो तुम क्योंकि दिस इज ऑल ये क्या कर रहा है, इनपुट ले रहा है बस, जैसे कि गूगल पे तुम जीमेल अकाउंट बनाते हो, फॉर्म भरते हो ना, तो तुमने UI में फॉर्म भरा है, उसी को तुम अगर एक टेक्स्ट में भर के दोगे तो कैसा रहेगा, तो वैसे ही कर रहे हैं हम लोग, टेक्स्ट में फॉर्म भर के दे रहे हैं कि हमको ये सारी चीजें चाहिए। अब वो इसको टेराफॉर्म प्रोसेस करेगा, अपना जो उसका कोड यहाँ पे गिटहब पे रखा हुआ है, यहाँ पे पूरा का पूरा लॉजिक है उसका, पूरा जो गिटहब पे रखा है ना उसने कोड सोर्स, ठीक है, तो वो वहां से उसका अपना कोड पूरा लाएगा, तुम्हारा जो भी इनपुट तुमने दिया प्रोसेस करेगा, सबमिट कर देगा API, और वो तुम्हारा अगर तुमने सब कुछ सही डेटा तुमने सही चीजें दी है तो, क्योंकि ये कोड में प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा प्रॉब्लम इनपुट देने में हो सकता है, ठीक है, कोड में भी प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन अगर तुमको पता चलेगा कि कितना मतलब इससे ये कितना मतलब प्रोसेस कितना ये है उसका प्रोडक्शन तक आने के लिए, ये जो हमको रिपोजिटरी दिख रही है ना, दैट इज अ प्रोडक्शन रिपोजिटरी, इसके यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग देखो ब्रांचेस हैं, वो सारे ब्रांचेस के होके जाती है, मतलब अलग अलग लेवल की टेस्टिंग होती है, मतलब रिग्रेशन टेस्टिंग होती है डिफरेंट लेवल, उसको बहुत सारा मतलब बैटल टेस्टेड जो बोला था ना, वो बैटल टेस्टेड कोड है, तो इस कोड में प्रॉब्लम आना दैट इज वेरी अनलाइकली, बट दैट इज पॉसिबल, कम्प्लीटली नॉट रूलिंग आउट, लेकिन चांसेस बहुत कम है, तुमने ही कुछ मिस्टेक किया होगा तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, राइट, तो वो एक चीज मतलब यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड कि क्या कर रहे हैं और उस हिसाब से चीजें करना। जब तुम अपना इनपुट दोगे तो कोड लेकर आता है टेराफॉर्म, मतलब कोड यहाँ से उठा लेगा
और तुम्हारा जो इनपुट के बेसिस पे क्या करेगा, एपीआई बनाएगा और यहाँ पे सबमिट कर देगा एडब्ल्यूएस को, एडब्ल्यूएस तुम्हारा काम कर देगा। ठीक है, अगर तुम्हारे पास में प्रॉपर ऑथेंटिकेशन है, ऑथराइजेशन है, और अगर इंक्रिप्शन रिक्वायर्ड है फॉर दैट पर्टिकुलर सर्विस, इफ यू हैव द इंक्रिप्शन दैट इज द सर्टिफिकेट्स और कीज, देन तुम्हारा काम हो जाएगा, राइट। तो टेराफॉर्म इस तरीके से काम कर रहा है। तो हमको टेराफॉर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एचसीएल लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब एचसीएल जो है इट्स वेरी सिमिलर टू जो मैंने यहाँ पे बताया था, ये क्लाउड फॉर्मेशन जेसन में लिखा हुआ है, आम टेम्पलेट जेसन में लिखा हुआ है, और इनका सुपरसेट है यामल। ठीक है, ये लैंग्वेज मतलब दीज आर नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दीज आर डेटा। अब बहुत सारे लोग आते हैं बोलते हैं कि हाँ हमने यामल लैंग्वेज सीख लिया, यामल इज नॉट अ लैंग्वेज, इट्स अ डेटा सीरियलाइजेशन जिसमें तुम स्टैटिकली डेटा स्टोर कर रहे हो बस, और यामल कुछ भी नहीं करता, यामल कुछ नहीं करता, जेसन कुछ नहीं करेगा, एचसीएल भी कुछ नहीं करेगा। जो डेटा स्टोरेज की लैंग्वेजेस है, राइट, लाइक तुमको पता होगी सीएसवी के बारे में, एचटीएमएल के बारे में, तो यामल हो गया, जेसन हो गया, और अब नया आ गया एचसीएल आ गया है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे आते हैं, टैब सेपरेटेड, कॉमा सेपरेटेड, जो सीएसवी है, एक्सएमएल है, तो ये सारे क्या हो रहे हैं, ये सारे जो लैंग्वेजेस है जिसमें तुम डेटा अपना स्टोर करते हो। आजकल जो पहले जो क्या होता था, मतलब बिकॉज ऑफ एपीआई ड्रिवन हो गया है ना, तो एक पेलोड बनता है, मतलब जब नेटवर्क पे रिक्वेस्ट जाती है ना, तो ये मैंने पहले भी बताया था कि पेलोड बन के जाता है। तो ज्यादातर पहले क्या होता था, एक्सएमएल में किया जाता था, तुम्हारा पूरा का पूरा डेटा एक्सएमएल में है, उसको इंक्रिप्ट किया जाता है, पेलोड बन जाता है, और फिर वो नेटवर्क पे ट्रैवल करता है। आजकल क्या होता है, पूरा का पूरा जेसन में होता है, तो जेसन बहुत ही डोमिनेंट हो गया है, ज्यादा यूज हो रहा है तो जेसन, और एक्सएमएल भी यूज होता है पुरानी लैंग्वेजेस में, मतलब जावा वावा में अभी तक वही यूज होता है, जावा भी मतलब अभी जा रहा है एक्सएमएल से जेसन पे आ रहा है, बट स्टिल दीज आर जस्ट डेटा स्टोरेज लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेजेस भी नहीं है, डेटा स्टोर करने की टेक्निक से, ये एक अलग टेक्निक से हम लोग स्टोर कर रहे हैं। सीएसवी में कॉमा सेपरेट करके कर ले रहे हो, पाइप सेपरेटेड रहता है, टैब सेपरेटेड रहता है, टेक्स्ट में रहेगा, एक्सएमएल में रह सकता है, यामल, जेसन, अब नया जो हमारे लिए एचसीएल आ गया है। ठीक है, हमको सारा का सारा एचसीएल में करना है, और बहुत ही सिंपल है, बिकॉज द होल आइडिया ऑफ राइटिंग टेराफॉर्म टू मेक इट सिंपल, ताकि अदरवाइज अगर डिफिकल्ट करना होता तो डायरेक्ट ही यूज कर लेंगे ना, तो एक नए आदमी की जरूरत क्यों है, मतलब तुम खुद सोचोगे कि भाई हम देखो क्यों यूज करे, तो हमारा कुछ काम आसान कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है तो हम डायरेक्ट एपीआई कॉल करते हैं ना, तो मतलब एक मीडिएटर रख के बीच में से जाने की बजाय हम डायरेक्ट चले जाते हैं, हम लोग मतलब तुम यहाँ पर हो बैठे हुए, ये हमारा लैपटॉप है, या यूजर ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर, इस यूजर को तो किसी ने रोका नहीं है कि भाई तुम डायरेक्ट एपीआई पे चले जाओ, Nobody is stopping you. So why do we have to go through these so many hops? कि इसमें जाओ, इसमें जाओ, इसमें जाओ, क्योंकि तुम्हारा काम आसान हो रहा है, मतलब they have to do it, otherwise nobody will go for it, right? तो तुम्हारा काम यहाँ पे आसान हो रहा है, इसलिए that's the reason why we are going with these hops. ठीक है, and cloud formation भी वही काम कर रहा था। अब cloud formation जो originally बना था, जिससे Terraform ने inspiration लिया है, ठीक है, और आम templates है और बाकी वो सारे, तो हमको करना पड़ेगा HCL। अब एच से पहले मतलब बिफोर वी स्टार्ट गेटिंग इनटू HCL, हम लोग जो है वो देख लेते हैं कि कॉम्पिटिटर्स क्या है और व्हाट हम लोग को अपनी लर्निंग के हिसाब से क्या क्या करना पड़ेगा आगे। ठीक है, तो इसमें दो कैटेगरी है, सबसे पहले मैंने बता दिया था अभी, मतलब नाम तो ले लिया था मैंने, क्लाउड में, क्लाउड की बात करते हैं तो यहाँ पे दो कैटेगरीज आती है, राइट, हमारी एक क्लाउड नेटिव रहता है और दूसरा क्या रहता है, क्लाउड एग्नोस्टिक। अगर तुमको प्रॉब्लम, नेटिव का मतलब है जो नेटिव है, राइट, लाइक मैंने अभी एक वर्ड यूज किया था, नेटिव स्पीकर, दैट इज एक्चुअली द वर्ड, मतलब जो नेटिवली यूज करते हैं उस चीजों को, मतलब वो हो गया नेटिव स्पीकर, मतलब जो लाइक इंग्लिश नेटिव स्पीकर, वी आर नॉट इंग्लिश नेटिव स्पीकर, हम लोग ने इंग्लिश सीखा है लेकिन हम नेटिव स्पीकर कौन सा है, हमारी लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, हिंदी, मराठी, उर्दू, तेलुगु, मलयालम, कुछ भी, राइट, so we will be called native speaker of that particular language, क्योंकि हम लोग के पास में वो fluency रहेगी उस language को उस तरीके से बात करने के लिए, like मराठी speaker रहते हैं तो गांव वाले अलग type की मराठी use करते हैं, शहर वाले अलग type की use करते हैं, तो वो native user हो गए, और गांव शहर में जो रहते हैं उनके mix match वाली language रहती है। तो similarly English native speaker मतलब US के हो गए, England के हो गए, मतलब English speaker वहां का रहे, तो वो नेटिव है जो मतलब बिलोंग करता है, तो नेटिव यहाँ पर भी क्लाउड में हमारा वही है कि जो पर्टिकुलर क्लाउड को बिलोंग करता है। ठीक है, AWS पे काम करेगा तो वो AWS पे काम करेगा, हमको इस तरीके से समझना पड़ेगा, समझना है कि अगर कोई नेटिव लैंग्वेज की हम लोग बात करें, एंड दीज आर द टर्म्स यू हैव टू यूज इट। ठीक है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ,
तुमको समझाने के लिए नहीं लिख रहा हूँ, तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्लाउड नेटिव क्या है, लेकिन तुम्हारे अपने कन्वर्सेशन में तुमको यही यूज करना है। ठीक है, तो क्लाउड नेटिव में वी हैव सीन इट, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर ट्रेनिंग एग्जांपल मैं डायरेक्ट बता देता हूँ जो ज्यादा कॉमन है। क्लाउड फॉर्मेशन हमें पहला था और उसी को उसी से सबने कॉम्पिटिटर में आ गए। फिर आम टेम्पलेट है, तो अजोर रिसोर्स मैनेजमेंट मैनेजर टेम्पलेट है और गूगल का है डिप्लॉयमेंट मैनेजर। अब इसको क्लाउड फॉर्मेशन वी कैन राइट इन सिसम एंड वी कैन आल्सो राइट इन यामल। रिसेंटली AWS आई थिंक 2017 या 2018 में उसने यामल सपोर्ट भी दे दिया कि अब यू कैन नाउ राइट इन यामल एज वेल। अदरवाइज बिफोर दैट यू हैड टू राइट एवरीथिंग इन द जेसन, पूरा का पूरा कोड जेसन में लिखना पड़ता। लाइक जो भी तुम ये कुछ भी सोच लो, CSV में डेटा स्टोर कर रहे हो, XML में कर रहे हो, काइमे भी कर रहे हो, मतलब एक्सेल शीट में डेटा लिख रहे हो, अब उसी को तुमको यामल में लिखना है या जेसन में लिखना है या HCL में लिखना है, आप जाके ऐसा हो जाएगा। आम टेम्पलेट कम्प्लीटली जेसन आना चाहिए तुमको लिखने के लिए और डिप्लॉयमेंट मैनेजर पूरा यामल में लिखा हुआ है। ये है, इसके अलावा अलीबाबा भी है और भी दूसरे क्लाउड्स हैं, लेकिन हम लोग उसमें अभी नहीं जाते, हम लोग विल स्टिक टू द टॉप 3 क्योंकि अपॉर्चुनिटीज भी इनके साथ में ज्यादा है। द बेटर अपॉर्चुनिटीज आर विद दिस कंपनीज, राइट? इफ यू गो फॉर अ मिड साइज टू लार्ज ऑर्गेनाइजेशन और फॉर्च्यून 5 ऑर्गेनाइजेशन, राइट? अब ऑर्गेनाइजेशन भी देखो किस तरह से, अभी एक चीज थी, अभी सिंस वी आर टच द टॉपिक बता देता हूँ। तो दो टाइप के हमारे लिए इंडस्ट्रीज रहती है, राइट? सर्विस इंडस्ट्री है हमारे लिए जॉब, अगर हमको जॉब करना है, एंड देन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है। ठीक है, सर्विस इंडस्ट्रीज मतलब जो IT, अब हर कंपनी कुछ ना कुछ सर्विस दे रही है, राइट? बिना सर्विस के वो कंपनी ही नहीं है। मतलब तुम अगर बिजनेस खोलना चाह रहे हो तो कुछ सर्विस दे रहे हो ना किसी ना किसी को। तुम अगर कपड़े बेच रहे हो तो दैट इज योर सर्विस। तुम डॉक्टर हो तो तुम लोगों को ट्रीट कर रहे हो, दैट इज द सर्विस। तुमने अगर हॉस्पिटल डाला है तो यू आर एक्चुअली यू आर सेलिंग अ सर्विस, एवरीबडी विल सेल द सर्विस। लेकिन हमारे IT में वी सेल सर्विस इंडस्ट्री टू कंपनीज। बाहर अगर तुम नॉन IT वाले से बोलोगे कि भाई मैं सर्विस में काम करता हूँ, सर्विस बेस में, तो वो बोलेगा उसमें क्या नहीं बात है, हर कंपनी तो कुछ ना कुछ सर्विस दे रही है, तो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। तो हमारे केस में हम लोग सर्विस इंडस्ट्री या सर्विस बेस्ड कंपनीज उसको बोलते हैं जो IT की सर्विस सेल करती है। ठीक है, तो कौन सी कंपनीज है ये सारे जो मतलब तुमको पता होगा, TCS है, TKM है, ये और बहुत सारे जो है, सारे नाम नहीं लिखता हूँ मैं यहाँ पे है, तो जितने भी है ये सर्विस कंपनीज है। और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज मतलब जो क्या करती है, नॉन IT सर्विसेज सेल कर रही है। ठीक है, अब दिस कैन बी एनीथिंग, आई मीन दिस कैन बी एनी कंपनी। ये गवर्नमेंट हो सकती है, गवर्नमेंट IT की सर्विस थोड़ी सेल करती है। यूनिवर्सिटी हो सकती है बड़ी वाली, वो IT की सर्विस सेल नहीं करती कोई बड़ी। पुणे यूनिवर्सिटी का, उसको भी तो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसको भी तो एप्लीकेशन चाहिए, तो यू कैन हैव द जॉब देयर एज वेल। फाइजर कंपनी हो गई और वो पूरी दवा बनाने वाली कंपनी है। और उसके बाद में हमारा पुणे का जो जो सीरम इंस्टीट्यूट है, तो ये अगर कंपनी में IT के जॉब निकल रहे हैं तो आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल, राइट? कि वहां पर तुमको अगर जॉब मिलता है तो यू कैन टेल के ओके आई एम वर्किंग इन अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, एंड अगर तुमको तो दैट इज अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। और ये एक पहला रहता है जो IT में बहुत कॉमनली यूज होगा एंड पीपल विल टॉक अबाउट इट, और अगर तुम नए हो तो तुमको समझ में नहीं आएगा। तो ये सारी चीजें जो है जो कॉलेज में से ही सबको समझा देना चाहिए, बट हमारे कॉलेजेस में ऐसा नहीं समझाया जाता। अगर किसी में समझाया जा रहा है तो दैट्स अ गुड, बट मेजोरिटी ऑफ द स्कूल एंड कॉलेजेस दे डोंट टीच ऑल दिस। जो बाहर जाके तुमको ज्यादा काम आएगी वो बताने का छोड़ के वो रट्टा मारने का काम होते रहता है वहां पर। ठीक है, तो यू हैव दिस आउट ऑफ दिस। अभी कंपनीज के लेवल रहते हैं, सबसे पहले कंपनी रहेगी स्टार्टअप में, स्टार्टअप कंपनी के बाद में वो स्मॉल साइज कंपनी बन जाती है, फिर उसके बाद मिड साइज बनेगी, फिर लार्ज साइज, फिर Fortune 1000 में आ जाती है, फिर Fortune 500 में आ जाती है। तो मतलब ऐसे टाइप के ये है, Fortune 500 मैंने बताया भी हूँ, राइट? इफ यू वर्क, अगर तुम Fortune 500 कंपनी में काम करोगे तो तुम्हारा मतलब ज्यादा ये रहेगा, यू विल हैव अ बेटर पे, बट इट्स हार्डर टू गेट इनटू दीज कंपनीज, राइट? फॉर समबडी तुम इजी, तुमको तुम्हारे लिए इजी कौन सा है, स्टार्टअप कंपनी में जॉब लगना, दैट्स वेरी इजी। एंड फॉर फ्रेशर यू शुड गो फॉर अ स्टार्टअप कंपनी, बिकॉज
स्टार्टअप में जाने में क्या होगा, यू विल हैव अ प्रेशर, ठीक है, तुमको प्रेशर रहेगा और तुम सीख सकते हो, यू कैन लर्न। अगर तुम डायरेक्ट फॉर्च्यून 500 में जाओगे, जो कि तुम नहीं जा सकते हो, मतलब मेजॉरिटी के इस पे बोल रहा हूँ, अगेन आई एम नॉट बीइंग अ जजमेंटल, मैं एकदम स्टीरियोटाइप नहीं कर रहा हूँ कि हाँ तुम लोग की कोई औकात नहीं है या फिर लाइक ही नहीं है, यू कैन गो देयर, राइट, यू हैव टू वर्क हार्ड। लेकिन जो मतलब जाते हैं वो IIT IIM वाले, दे लैंड जॉब डायरेक्टली इन फॉर्च्यून 500, एंड दैट्स द रीजन व्हाई दे गेट अ बिगर पैकेजेस। हम लोग इसमें जाते हैं, छोटी छोटी कंपनियों में जाते हैं, स्टार्टअप, अगेन इफ यू गो फॉर अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी रिगार्डलेस ऑफ व्हाट टाइप इट इज, यू गेट अ वेरी गुड पे। अगर तुम सर्विस बेस में जाओगे, सर्विस बेस्ड TCS वन ऑफ द फॉर्च्यून 500 कंपनी, बट दे विल नॉट गिव यू अ पैकेज, वो तुमको 2-3 लाख में हायर करेंगे। तो सर्विस बेस्ड में भी मतलब तुमको देखना पड़ेगा कौन से टाइप की कंपनी में जाना है, यू हैव टू, तुम्हारे अभी तो फिलहाल तुम्हारे लिए एक ही है कि यू शुड ऑलवेज, तुम्हारी प्रायोरिटी लर्निंग पे रहनी चाहिए, कि हमेशा लर्निंग को तुम्हारी प्रायोरिटी बनाओ, कि जहाँ पे तुमको सीखने मिलेगा, और स्टार्टअप्स में तुमको ज्यादा सीखने मिल सकता है, यू कैन स्पेंड अ ईयर और टू, क्योंकि तुम्हारा अभी सीखने का टाइम है। फॉर्च्यून 500 में जाओगे तो लिटरली गवर्नमेंट जैसा जॉब हो जाता है, तो वो तुम 30-35 के बाद में, हाँ पूरा मतलब तुमने अचीव कर लिया है, सब कुछ सेटल हो गया है, अब जाके गवर्नमेंट जैसी लाइफ, एक 15-20 साल निकालो, रिटायर हो जाओ, तो वो ऐसा टाइप का मतलब, ऐसा जो एवरेज टाइप ऑफ पीपल थिंक्स, राइट। मैं जैसे एक आइडिया दे रहा हूँ, बिकॉज तुम टारगेट करने के लिए कर सकते हो, बट द इंटरव्यू प्रोसेस आर डिफिकल्ट, यू नीड, तुमको नॉलेज चाहिए, वहाँ पे अंदर जाके ज्यादा काम करना नहीं पड़ता है, लेकिन इंटरव्यू में बहुत ज्यादा तुमको ये करना पड़ेगा। ये सब कंपनी में तुम आसानी से घुस जाते हो, वो लोग छोटा सा, क्योंकि तुम्हारी उनका, उनको भी मतलब देना गलत नहीं है, वो उनको पता है कि भाई तुम लोग सड़े हुए आलू हो, तो उनको क्या क्या वैल्यू है तुम्हारी, मतलब एक मार्केट में जब तुम जाते हो तो वहाँ पे क्या होता है, अच्छे अच्छे सब्जी, टमाटर और सारे बिक जाते हैं, सड़ा हुआ रहता क्या करते हैं, पूरा का पूरा एक साथ एक टोकरे में, पोते में डाल के दे देते हैं, भाई चल ठीक है ले ले, एकदम आधे से आधे रेट में ले ले। तो हमारी औकात अभी वो है, हम लोग सड़े हुए जो ये है ना, प्याज टमाटर आलू, वो है हम लोग, तो हमारी औकात है ही नहीं। तो इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग दिस कंपनी, वी शुड ब्लेम अस, राइट, मेरा यही बोलना है। और ज्यादातर मैं बोलता हूँ ताकि तुम लोग इनकरेज हो, तुमको पता चलो, नाउ यू कैन हील योर सेल्फ। अब टमाटर आलू का ऐसा है कि दे कैन नॉट हील, अब वो मतलब सही नहीं हो सकते, वो खराब हो गए तो अब जो बेचने वाला है वो बेच देता है कि ठीक है भाई बेच दो इसको आधे दाम में, तो जो लेने वाला है वो भी तो आधे दाम में ही लेगा ना। तो TCS को मालूम है कि भाई तूने इंटरव्यू में क्या गुण खिलाया, कुछ नहीं खिलाया, तो कुछ आता नहीं है, जाता नहीं है, तो तेरे को मैं कैसे दे दूंगा, तो तू 2 लाख में आ जा। तो वो लोग सस्ते सड़े हुए आलू बटाटर टमाटर को उठा लेते हैं वो लोग सस्ते प्राइस में, तो वैसा वहाँ पे ट्रेंड है, तुमको 2 लाख में हायर किया जाएगा, 10 साल के बाद तुम्हारी सैलरी 8 लाख रहेगी। यहाँ पर तुम जाओगे तो तुम्हारा पहले साल में तुम्हारी सैलरी 15 लाख रहेगी, तो उसके लिए तुमको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा ना, यू हैव टू हैव दैट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब तुम टारगेट ऐसा रखोगे, अभी तुम लोग को स्कूल कॉलेजेस से यही छोटा छोटा ही सिखाया गया है कि भाई 2 लाख का जॉब मिल जाएगा, बस हो गया, ले लेंगे सेटल हो जाएंगे, तुमको छोटा, तुम्हारे दिमाग में बड़ा कभी डाला ही नहीं किसी ने स्कूल कॉलेजेस से लेके अभी तक, छोटा ही सोच रहे हो, छोटे में ही हो। तो मेहनत कर, मेहनत ही एक शर्त है बस, यू हैव टू सिर्फ मेहनत करना, मेहनत नहीं करोगे तो छोटे में ही एडजस्ट, छोटे में ही रहना पड़ेगा और छोटे में ही खत्म हो जाओगे। तो वैसा टाइप का ये मतलब दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कंपनीज, जहाँ पे मतलब आगे जाके तुमको पता चलेगी और चीजें, और ये दो टाइप है। अब कमिंग बैक टू द क्लाउड एग्नोस्टिक, राइट, तो क्लाउड एग्नोस्टिक पे का मतलब है जो एक पर्टिकुलर बिलोंग नहीं करता, मतलब जो किसी एक पर्टिकुलर क्लाउड को बिलोंग नहीं करता अभी हमारे इसमें, बट जो वर्ड आया हुआ है वो एथियस्ट से आया हुआ है। एथियस्ट का मतलब रहता है नास्तिक, राइट, नास्तिक का मतलब है जो कोई भगवान में या कोई गॉड में या खुदा में उसका बिलीव नहीं रहता, वो बोलता है कि सब कुछ टाइम बाउंड है, मतलब जितने भी साइंटिस्ट है ना दे आर एथियस्ट, दे से एवरीथिंग इज टाइम बाउंड, टाइम से सब कुछ हो गया है, देर इज नो सुपर बींग जो सब चीजों को बनाया कंट्रोल कर रहा है, उनका ऐसा रहता है, दैट इज द एथियस्ट, दे कम्प्लीटली डिनाई द एग्जिस्टिंग ऑफ द सुपर पावर और सुपर बींग, मतलब जो गॉड और भगवान जिसको हम लोग बोलते हैं। क्लाउड एग्नोस्टिक मतलब जस्ट एग्नोस्टिक पीपल आर द वन, दे से ओके देर इज अ बींग बट आई डोंट नो बिकॉज देयर आर सो मेनी रिलीजन और बहुत सारे भगवान है गॉड्स है, मुझे नहीं पता कौन सा सही है, तो आई नो कि कोई तो सुपर पावर है लेकिन कौन सा सुपर पावर सही है मुझे नहीं पता, मतलब किसका भगवान सही है हमको नहीं पता, तो दैट्स द एग्नोस्टिक पीपल। अब ये सारे क्राइटेरिया तुमको कहाँ मिलेंगे, एजुकेटेड पीपल आर एक्चुअली टर्निंग मोर इनटू एथियस एंड एग्नोस्टिक, आई मीन इंडिया में तो हमारे बहुत सारा मतलब 50-60% तो हमारे यहाँ पे यही है, लिटरेसी रेट कम है, इसलिए बहुत ज्यादा मतलब बाबा लोग को और भगवान को डिवोटी बहुत है हमारे पास, लेकिन बाहर में इट्स अ डिफरेंट, कम्प्लीटली डिफरेंट ट्रेंड, पीपल द मोर एजुकेशन आर ब्रिंगिंग पीपल टुवर्ड्स मोर एथियज्म एंड एग्नोस्टिसिज्म।
तो एग्नोस्टिक का मतलब है कि वो किस मानता तो है लेकिन वो किसी को एसोसिएट नहीं कर रहा कि हाँ मैं ये रिलीजन से हूँ या वो। तो यहाँ पर हमारा जो टूल है दैट टूल, यहाँ पे भगवान की जगह पे क्लाउड आ गया है, बिकॉज क्लाउड एग्नोस्टिक की बात कर रहे हैं और क्लाउड एग्नोस्टिक में ये सारी चीजें ये हो रही है, मतलब कि ये कोई पर्टिकुलर क्लाउड को बिलोंग नहीं करता। और उसके अंदर में हमारा सबसे पहला टूल जो है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं दैट इज टेराफॉर्म। ठीक है, तो टेराफॉर्म है डजंट बिलोंग टू एनी क्लाउड, तो इट्स अ क्लाउड एग्नोस्टिक टूल। और ये टर्म्स बहुत कॉमन रहने वाला है क्लाउड में, क्लाउड नेटिव टूल्स एंड एग्नोस्टिक टूल्स। एग्नोस्टिक मतलब जो कोई भी एक पर्टिकुलर क्लाउड पे काम नहीं करेगा, यू कैन यूज द सेम टूल टू वर्क ऑन अ डिफरेंट क्लाउड। और आजकल के ट्रेंड में वही चल रहा है, कंपनीज आर यूजिंग मल्टी क्लाउड एनवायरमेंट, मतलब कोई एक क्लाउड पे यूज नहीं कर रहा, बहुत सारे रीजन है उसके विच वी विल सी लेटर कि व्हाई कंपनीज आर यूजिंग मल्टी क्लाउड इंस्टेड ऑफ जस्ट यूजिंग वन क्लाउड। तो उससे अब क्या हो रहा है कि तुम एक क्लाउड के बेसिस पे आप ऐसा नहीं सोच सकते कि हाँ चलो एक क्लाउड आ गया है अब मैं सेफ हूँ, मुझे जॉब मिल गया है। जॉब मिल गया है तो तुम वहीं पे पड़े रहोगे, जॉब नहीं मिला है तो तुमको मिलने वाला नहीं है जल्दी। ठीक है, तो तुमको अपने इसमें वराइटीज आनी पड़ेगी अपने इसके अंदर में, एंड एवरीथिंग इज सेम, खाली कंसेप्चुअल डिफरेंस है, दैट्स इट। सो जब तुमको अगर डिस्क्राइब करना है तो अगर तुमको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रहेगी ना तो डिस्क्राइब कर दोगे, तुम अगर वही किताबी रट्टा मारोगे ना तो फिर नहीं हो पाएगा कि तुमको। इसलिए मैं हर बार बोलता हूँ कि स्टेप्स फॉलो मत करना, कंसेप्ट फॉलो करना। कंसेप्ट फॉलो करने से तुमको चेंजेस अडॉप्ट करने में बहुत आसानी होगी, स्टेप फॉलो करने में तुमको बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो वी हैव वन मोर टूल जो कि थोड़ा अभी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, उसका नाम है पुलुमी। ठीक है, ये भी एक टूल है जो दैट इज ऑल्सो क्लाउड एग्नोस्टिक एंड इट कैन डू द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजनिंग। एंड देन हमारे पास में वो सीएसई वाले भी आ गए हैं, सीएसई मतलब जो मैंने आईएसई बताया था स्टार्टिंग में और सीएसई बताया था, राइट। सीएसई का मतलब है कॉन्फ़िगरेशन एज अ कोड। तो इसके अंदर में वही है, सारे एंसिबल है, सॉल्ट स्टैक है, पॉपेट है, शेफ है, सीएफ इंजन खुद है, और भी बहुत सारे हैं, मतलब लोग ये सारे ओपन सोर्स, फेमस नाम ले रहा हूँ बट बहुत सारे क्लोज सोर्स हैं, विच इज लाइक एंटरप्राइज और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर जो कंपनीज यूज करती है, तो वो नाम नहीं ले रहा हूँ। तो ये सारे भी करते हैं लेकिन इनका प्रॉब्लम दे आर वेरी लिमिटेड एंड दे आर नॉट ओरिजिनली क्रिएटेड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इंफ्रास्ट्रक्चर वाली, दे आर क्रिएटेड टू सॉल्व द कॉन्फिगरेशन वाली प्रॉब्लम, के कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, उसको कॉन्फिगर करना है, उसको स्टार्ट करना है, यूजर लिनक्स पे यूजर क्रिएट करना है, विंडोज पे यूजर क्रिएट करना है, उसके ऊपर में एक डेटाबेस इंस्टॉल करना है, उस डेटाबेस को कॉन्फिगर करना है, उसके अंदर में टेबल बनाना है, रो बनाना है, या फिर एक वेब सर्वर डालना है, एप्लीकेशन डिप्लॉय करना है, ये सारे काम है इनका। एक बार का इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया ना तो बिल्डर है वो घर बना रहा है, राइट। तो घर बनाने का काम जो करते हैं वो एक हो गए, और इंटीरियर का जो काम करते हैं वो ये है, ये लोग इंटीरियर का काम कर रहे हैं। तुम्हारा एक बार घर बन गया है तो उसमें आके अंदर पूरा इंटीरियर कर रहे हैं उसका, ठीक है। तो दे आर डूइंग द इंटीरियर फॉर यू, इंफ्रास्ट्रक्चर को जो घर बनाने का काम वो लोग करके चले गए, टेराफॉर्म वाले अब ये कर रहा है। ये सारे ये हैं। अब इनमें से जो ज्यादातर है यामल बेस्ड सपोर्ट है, और एटलीस्ट ये ऊपर वाले यामल तो है, यामल में तुम लिख सकते सारे लैंग्वेजेस को। अगेन इनका सबका कंसेप्ट यही जा रहा है, जैसे यहाँ पे मैंने बताया ना कि तुमको एचसीएल की जगह यामल पे लिखना है, उनका पूरा कोड लिखा हुआ है ओपन सोर्स है, गिटहब पे पड़ा हुआ है, वो कोड आता है, तुम्हारा इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है और वो काम करके चले जाता है। ठीक है, वही काम ये भी करता है, सेम लॉजिक यू हैव टू अप्लाई हियर एज वेल सीएसई के लिए भी, इवन दो वी आर राइट नाउ नॉट डिस्कसिंग इट, लेटर वी विल आफ्टर टेराफॉर्म। लेटर मतलब बहुत टाइम है उसको, अभी पहले वन एट अ टाइम करना है उनको। तो यहाँ पर इसमें जो है, और इसके लिए तो अभी मैंने बता दिया कि एचसीएल में तुमको करना है, राइट। एचसीएल लैंग्वेज भी देख लेंगे हम लोग, और पुलुमी अब ऐसी है कि इसमें तुमको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फिर से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए, और बट अभी प्रोग्रामिंग मतलब स्क्रिप्टिंग वाली तुमको कराना चाहिए, पाइथन, गो, टाइप स्क्रिप्ट है, जावा स्क्रिप्ट है, और ऐसे ये लैंग्वेज में करना है। तो ये जो है इट इज एक्चुअली ओके फॉर डेवलपर्स, बट इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों के लिए अब ये थोड़ा सा एक बर्डन जैसा हो गया कि भाई अब तुमको ये सीखना पड़ेगा, इट इज नॉट एज सिंपल एज एचसीएल के तुम लिख लो। तो वो एक वजह से इतना अभी वो नहीं हो रहा है क्योंकि, लेकिन उन्होंने बहुत सारे मतलब ये टूल बना दिए है कन्वर्जन वाले, कि यू कैन राइट एवरीथिंग इन टेराफॉर्म एंड देन सिंपली यूज हमारा एक प्लगइन है, वो कन्वर्ट कर देगा पूरा तुम्हारा कोड को गो में या पाइथन में, जो हमारे पुलुमी में सपोर्ट करेगा। तो ऐसे टूल्स बन रखे हैं,
लेकिन क्योंकि इसके अंदर में तुमको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टाइप लैंग्वेज सीखना पड़ रहा है, इट्स नॉट मतलब यू हैव टू लर्न समथिंग, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज सीखना पड़ रहा है, लेट्स नॉट से प्रोग्रामिंग ऑल टुगेदर, बट दे ऑल सपोर्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जावा स्क्रिप्ट से भी कर सकते हो, टाइप स्क्रिप्ट से कर सकते हो, पाइथन से कर सकते हो, गो से कर सकते हो, ये सारे दीज आर नॉट लाइक स्टैटिक डेटा स्टोरेज। यहाँ पे कैसे स्टैटिकली हम लोग डेटा स्टोर कर रहे थे बस, और कुछ नहीं किया हमने। एक्सेल में डेटा स्टोर करते हैं ना स्टैटिकली, वही कर रहे हैं हम लोग। एक्सेल इज नथिंग बट सीएसवी, यू कैन थिंक ऑफ सीएसवी एज एक्सेल। तो वैसा हम लोग यहाँ कर रहे थे, तो ज्यादा आसान है राइट। एक्सेल में तुमको बोलेंगे आप हर टाइप के फॉर्मूले लगा दो, ये करो, तो तुमको थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। दैट्स व्हाट हैपनिंग हियर। सो आई एम नॉट श्योर कि ट्रेंड किस तरह से आगे क्या होगा, लेकिन अभी इसने कंपटीशन स्टार्ट कर दिया है। टेराफॉर्म ने भी अपना खुद का क्लाउड बनाया है, टेराफॉर्म हैशिकॉप क्लाउड है, जहाँ पे वो तुमको अलाउ करता है सिमिलर वे में काम करने के लिए। ठीक है, तो पुलुमी तो अभी फिलहाल के लिए मुझे नहीं लगता कि सिसएडमिन्स इतने आसानी से अडॉप्ट करेंगे, बिकॉज सिसएडमिन्स बनते ही इसलिए आधे से ज्यादा क्योंकि उनको प्रोग्रामिंग नहीं आती है, उनका प्रोग्रामिंग में बिल्कुल पत्ता भूल रहता है, तो वैसे लोग इसमें आ जाते हैं। अब इसके अंदर आने के बाद भी क्योंकि क्लाउड में आ गए हम लोग, अब क्लाउड में पूरा ऑटोमेशन का भी ये रहता है कि पूरा का पूरा ऑटोमेशन रहेगा। ठीक, हाँ आवाज आ रही है क्या मेरी? हेलो, आ रही है सर। ठीक है, 1 मिनट है, मेरा स्विच हो गया है सिस्टम। ठीक है, तो ये हमारा मतलब टेराफॉर्म में हमको पूरा एक्सेल में लिखना है, और यहाँ पे ये पुलूंगी। अब इसके अंदर में लिखने के पहले हमको जो नेक्स्ट हमको ये करना है, दैट इज वी नीड टू अंडरस्टैंड द डेटा टाइप्स, कि इसमें किस तरह से हमको डेटा स्टोर करना है। तो वो भी बहुत आसान है डेटा स्टोर करने के लिए। अब तो अगर किसी ने यामल लिखा है, किसी ने जेसन लिखा है, और आई थिंक यामल जेसन से ही ये है, एकदम सिमिलर टू यामल जेसन है। So if anybody knows YAML JSON, they should be easily able to adopt to the HCL as well. So HCL भी बहुत ही ज़्यादा मतलब difficult नहीं है। ठीक है, तो Pulumi एक है competitor, you'll hear a lot about it now you are getting into this world, infrastructure वाले, और ये भी आएंगे। इसमें से जो ज़्यादा popular है वो Ansible है और Chef है। अब ये दो मतलब देयर पुल एंड पुश मैकेनिज्म है, तो वो सारी चीज़ें भी जो है ना मैं बाद में एक बार बता दूंगा तुमको। अगेन दीज आर नॉट समथिंग डायरेक्टली तुमको बहुत ज्यादा, जब तुम आर्किटेक्टिंग करना स्टार्ट करोगे ना, तब तुमको वो कंपेरिजन समझने में ज्यादा ये, अदरवाइज अभी एग्जीक्यूशन लेवल पे तुम वो पुल पुश समझ लोगे, इम्यूटेबल म्यूटेबल समझ लोगे ना, तो उतना यूज में आएगा ही नहीं, एंड यूल फॉरगेट इट। जब तुम करोगे और बाद में तुमको जब डिजाइन करने की बारी आएगी ना, तब तुमको चॉइस करना पड़ेगा कि कौन सा टूल यूज करना है। तो ये सारे टूल्स मतलब ये सारे जो कंपेरिजन आते हैं, जो कि तुमको कोई भी तुम ऐसे में देखोगे, कोई आर्टिकल पढ़ोगे, कोई वीडियो देखोगे, तो पहले डे वन पे ही बता देते हैं, विच आई फील, क्योंकि काम यू नॉट गोना पुट दिस इमीडिएट वर्क, तुम उसको डायरेक्ट वर्क में नहीं डालने वाले हो, तो इट्स बेटर नॉट टू डिस्कस और डिस्क्लोज इट राइट नाउ। वो एक सीनियर लेवल पे जाओगे जब तुमको डिजाइन करना पड़ेगा कुछ चीजें, तब तुमको पता होना चाहिए कि भाई ये पुट पुश मैकेनिज्म में कैसे क्या करना है। 1 मिनट। ओके, सो एचसीएल में टॉकिंग अबाउट द डेटा टाइप्स, बिकॉज अब तुमको लिखना है राइट। लिखने के लिए उसके सिंटैक्स भी बहुत सिंपल है, बट सिंटैक्स समझने से पहले तुमको समझना पड़ेगा व्हाट आर द डेटा टाइप्स, कौन से डिफरेंट टाइप्स के डेटा, डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं इसके अंदर में। ठीक है, तो डेटा टाइप्स मतलब क्या है कि अगर मैं कुछ यहाँ पे लिखता हूँ, तुमको पता है क्या लिखा मैंने, मैंने वर्ड लिखा है या नंबर लिखा है, तो तुमको पता है राइट। हम लोग एक भाषा में बात कर रहे हैं, जब मैं बोलता हूँ 1 2 3, तो तुमको पता है मैंने नंबर बोला है। जब मैं कुछ नाम लेता हूँ, मैं बोलता हूँ 3, तो तुमको पता है मैंने नंबर नहीं बोला है, इस बार मैंने ये बोला हूँ मतलब वर्ड बोला हूँ मैंने। ठीक है, तो यही डेटा, इसी को डेटा टाइप बोला जाता है। अब हमारे हमारे लैंग्वेजेस में हमको पता है, अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के जो इसमें डेटा सीरियलाइजेशन होंगे, उसके डेटा टाइप हमको बताने पड़ेंगे।
डेटा टाइप समझना इम्पोर्टेंट है, तो ताकि हम लोग चीजों को लिख सकेंगे। तो सबसे पहले मतलब सिंपल डेटा टाइप है नंबर, ठीक है। तो एक नंबर है, अब नंबर लिखने के लिए एचसीएल में हम लोग कैसा लिखेंगे नंबर। अब नंबर को एचसीएल में लिखने के लिए तुमको ऐसा लिख सकते हो कि मान लो तुमको लिखना है कि डिस्क साइज लिखना है, राइट। हम लोग वीएम बनाएंगे, तो वीएम में क्या करेंगे, डिस्क का साइज नहीं है हम लोग, तो नंबर देना है, तो हम लोग 60 दे सकते हैं उसको। तो नंबर को हम लोग उसको कभी भी डबल रैप नहीं करेंगे, नंबर जो रहेगा ना ये दैट एक्चुअली रिप्रेजेंट द नंबर। इफ यू रैप दिस विद अ डबल कोट्स देन दैट विल बिकम स्ट्रिंग, जो कि अगला डेटा टाइप इसके मतलब हम डिस्कस करेंगे। तो दूसरा हमारा क्या रहता है, इसमें स्ट्रिंग रहता है। तो स्ट्रिंग क्या रहेगा, नाम है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि वीएम नेम इक्वल टू, दे सकता हूँ मैं कि AWS 1 2 3 4 5 dev app 01, ठीक है। ऐसा मैंने एक नाम दे दिया फॉर एग्जांपल। सो दिस इज द स्ट्रिंग राइट नाउ, क्योंकि मैंने इसको रैप किया, राइट। तो मैंने इसको रैप कर दिया, ये स्ट्रिंग बन गया। एक और डेटा टाइप इसके अंदर है जो कि अगेन वेरी इजी, विच इज बूल। बूल मतलब बूलियन को बुलाया था, राइट, इट्स अ शॉर्ट फॉर द बूल। और ये वाला जो है दिस, इसके दो ही पॉसिबिलिटी है, इधर ये ट्रू रहेगा या फॉल्स रहेगा, ठीक है। तो इसमें कैसा जाएगा, इनेबल ऐसा मान लेते हैं कि ओएस लॉग इन इनेबल, ठीक है। तो ये इसका वैल्यू क्या रहेगा, ट्रू रहना, ट्रू रहेगा या फॉल्स रहेगा। अब ये जो है, अगर तुमको नहीं आता तो इसको रैप करके नहीं लिखना है, अगर तुम इसको रैप करके लिखोगे तो स्ट्रिंग बन जाएगा, तो तुमको इसको ऐसे ही लिखना है अनरैप्ड ट्रू। तो ये इस तरीके से लिखोगे ये रहेगा। टेराफॉर्म में अगर तुम कोई भी स्ट्रिंग को अनरैप लिखोगे ना, तो वो उसको अपना कॉन्स्ट्रैक्ट समझेगा, वो उसको समझेगा कि ये कोई वेरिएबल है या कोई ये फंक्शन है, ठीक है। टेराफॉर्म में भी क्या रहते हैं, वेरिएबल और फंक्शन रहेंगे। अगर तुम किसी वेरिएबल रहते हैं और फंक्शन रहते हैं एंड मॉड्यूल्स रहते हैं अलग अलग ये रहेंगे। तो अगर तुम कोई भी स्ट्रिंग को रैप नहीं करोगे तो वो उसको ये सब समझेगा और वो कुछ करने की कोशिश करेगा और फेल हो जाएगा, क्योंकि रेफरेंसिंग नहीं रहेगी ना। अगर वो वेरिएबल है तो यू हैव टू क्रिएट अ वेरिएबल रेफरेंस, अगर वो फंक्शन है तो यू हैव टू हैव द प्रॉपर फंक्शन जो उसके अंदर में उसको समझ में आता हो। अगर वो मॉड्यूल है तो उसको प्रॉपर मॉड्यूल रहना चाहिए, तब समझेगा। अगर तुम स्ट्रिंग को अनरैप्ड वे में लिखते हो तो वो फेल होगा, क्योंकि वो ये समझने की कोशिश करेगा और वो रहेगा नहीं इन रियलिटी। बट बूलियन के केस में यू कैन कीप अ ट्रू और फॉल्स। अब बूलियन में ट्रू फॉल्स लिखना लिखा आता है, अगर तुम प्रोग्रामिंग से नहीं हो तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन आएगा कि ये ट्रू फॉल्स का मतलब फायदा क्या होता है। तो इसमें फायदा ये रहेगा कि ज्यादातर फायदा बूलियन में क्या रहता है, कंडीशन में होता है। लाइक मुझे ऐसी कंडीशन लिखनी है, अगर किसी ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखा है तो तुम एक ऐसा प्रोग्राम देख सकते हो कि इफ मैं ऐसा, अगर मैंने ट्रू किया ना ये सेट ऐसा, तो मैं यहाँ पे कंडीशन ऐसा लिख सकता हूँ, कंडीशन इफ कंडीशन मैंने बताया था शेल में, राइट। उसके अंदर क्या रहते हैं हमारे पास में, हम लोग ऑपरेटर्स रहते हैं, राइट, जिससे हम लोग इवेल्युएट करते हैं उन लोग को। हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं ना, कंपैरिजन करते हैं कि इफ कंडीशन ऐसी रहेगी कि इफ अगर मैं लिखता हूँ कि रोल नंबर इक्वल, ऐसा लिख देता हूँ इक्वल और लेस देन 100, राइट। तो ये एक कंडीशन हो गया, मैंने क्या किया यहाँ पे उसको कंपेयर किया मैंने, तो ये कंपैरिजन हो गया। तो मैंने इसको रोल नंबर एक वेरिएबल है, कुछ भी नंबर होगा उसके अंदर में, लेट्स अज्यूम, और उसको मैं 100 से कंपेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और उसके बाद में अगर ये ट्रू रहेगा, क्योंकि अगर ये मैच हो गया, अगर वो इक्वल टू है या ग्रेटर देन है तो रहेगा, राइट। अगर वो लेस देन है, अगर नंबर मान लो के है 90, तो कंडीशन क्या होगी, फॉल्स हो जाएगी ये वाली। अगर ये मैच होगी, 100 होगी या 100 से बड़ी होगी तो ट्रू हो जाएगी। तो ये इस तरह से कंपेरिजन हो जाता है। अगर तुम कोई वेरिएबल का वैल्यू ऐसा सेट करते हो बूलियन विच इज अ ट्रू और फॉल्स, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तुमको यूज करना है इस कंडीशन में, You can directly use it like this. Login enable कर दो और उसके बाद में यहाँ पे true logic लिख दो यहाँ पे तुम्हारा जो भी रहेगा, और else करके false logic लिख दो यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे देखो, तुमने मैंने compare किया ही नहीं इसको किसी भी चीज के साथ में, right? क्योंकि उसका value वहीं से आ रहा है। इस condition में क्या होता है, जो हम लोग जो भी evaluate कर रहे हैं वो true या false बोलेगा उसको, और उसके basis पे हम लोग आगे काम करते हैं। तो यहाँ पर वही हो रहा है, राइट, कि उसको हम लोग ट्रू और फॉल्स में डाल दे रहे हैं और उसी के हिसाब से वो चल रहा है, ठीक है। तो ये ट्रू फॉल्स का मतलब बूलियन का यहाँ पे ज्यादातर कंडीशनल में यूज होता है, कि जहाँ पर भी हम कंडीशन लिखते हैं तो उस तरीके से यूज हो जाता है। कंडीशन में जब भी हमको लिखना है तो वी डोंट नीड टू कंपेयर इट विद एनीथिंग एल्स, बिकॉज वो खुद
कंपेयर करने के बाद में हमको क्या मिलता है, अगर ये मैच हुआ तो हमको ट्रू मिलेगा, ट्रू मिलेगा तो ट्रू वाला लॉजिक यहाँ पे आएगा, एल्स में क्या रहता है, फॉल्स वाला लॉजिक रहता है। तो अगर ये नंबर 100 छोटा है तो फॉल्स वाला एग्जीक्यूट होगा कोड, अगर ये नंबर 100 है या 100 से बड़ा है तो ट्रू वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, राइट। तो वो है, वो एक बुलियन का डेटा टाइप है। नेक्स्ट टाइप इसके अंदर में रहता है, आप थोड़ा सा मतलब ये तो सारे इजी टाइप्स हो गए, आप थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप आते हैं, कॉम्प्लेक्स वाले टाइप आएंगे जो कि मैं मेंशन तो कर देता हूँ, बट इसको स्लोली स्लोली कोडिंग जब तुम एक्चुअली व्हेन यू पुट दिस टू वर्क तो समझेगा स्लोली स्लोली। तो नेक्स्ट वाला जो है इसके अंदर में लिस्ट आता है, ठीक है। लिस्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है इससे, दो स्क्वायर ब्रैकेट से, एंड दिस इज कॉल्ड स्क्वायर ब्रैकेट, सो जस्ट से स्क्वायर ब्रैकेट, डोंट से एनीथिंग एल्स, ठीक है। कुछ किसी को क्वेश्चन होगा बीच में तो पूछ सकते हो, इनकेस आई सी सम मैंने अनम्यूट किया, क्वेश्चन है तुम्हारा? नहीं। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिस्ट में डबल ये देना पड़ता है क्या? किसी ने कुछ बोला लेकिन आवाज नहीं आया, बहुत लो वॉल्यूम था। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डबल इनवर्टेड कॉमा नहीं आ रही है तुम्हारी आवाज, बहुत लो है वॉल्यूम, इज इट मुझे लो लो वॉल्यूम आ रही है, सबको आ रहा है? वो कोटेशन का पूछ रहे हैं, डबल कोटेशन लगाना है कि लिस्ट में एलिमेंट के लिए। किसके लिए बोल रहे हो? कोटेशन इन्वर्टेड कोटेशन का पूछ रहे हैं, डबल कोटेशन आई मीन, हां इसको जो है ना डबल कोट बोलो, डोंट से कोटेशन, ये इसको डबल कोट बोला जाता है। तो मैं ये पूछ रहा था जो लिस्ट के आपने बोला कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो मेरा डाउट ये पूछना था कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डबल कोट देना है क्या? हाँ ठीक है, उसके ऊपर आ रहा हूँ, ठीक है। आई मीन यू गाइस, और मैं तो चाहता हूँ कि बोलो, मेक मिस्टेक्स हियर सो यू डोंट मेक मिस्टेक्स आउट देयर, राइट। यहाँ पे यू कैन अभी थोड़ा सा जो है ना अपनी शर्म को पीछे ये करके तुमको ये करना होगा, बिकॉज अभी तुमने कोटेशन बोला ना, तो दैट्स एक्चुअली इट्स ओके, दैट्स कम्प्लीटली फाइन, यू आर लर्निंग, राइट। आई हैव ऑल्सो मेड अ मिस्टेक इनिशियल डेज, और अभी भी बहुत सारे मैं भी मिस्टेक करता हूँ, एंड बाकी लोग भी मतलब जो चुप हैं, आई होप उनको भी पता नहीं होगा, एटलीस्ट यू ट्राइड, एंड नाउ अब तुमको रजिस्टर हो गया वो डी, राइट। सो इट्स नॉट अ कोटेशन, इट्स डबल कोट, राइट। सो बोलो उसको, मतलब तुमको, बिकॉज दैट्स वॉट यू नीड टू इम्प्रूव, तुमको जस्ट टेक्निकल नहीं, अपना कम्युनिकेशन, अपना प्रेजेंटेशन और हाउ कैन यू एक्सप्रेस योर सेल्फ, राइट, ये सारे इम्प्रूव करने पड़ेंगे। और तुम यहाँ पे मिस्टेक करोगे आई विल करेक्ट इट, तुम बाहर मिस्टेक करोगे पीपल विल मेक फन, राइट। तो वो बचने से अच्छा वो ना करे तुम्हारा, बाहर चार लोग में मतलब हंसी मजाक ना हो तो यहाँ पे कर लो, बिकॉज दैट्स व्हाट वी आर हियर टू लर्न एंड टू करेक्ट आवर सेल्फ, ठीक है। तो इसको मैं इसलिए सब लिख रहा हूँ जो जो मैं चीजें बोल रहा हूँ ना, बिकॉज यू शुड स्टार्ट सेइंग दैट वे, तो तुमको फायदा करेगा, राइट। सारे मतलब जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं, तो इसको हम लोग इसको बोला रैप विद डबल कोट्स, राइट। इसको रैप किया है, मतलब एक जो टॉफी आती है उसको हम लोग रैपर में रैप करते हैं, राइट, उसको बांध देते हैं, तो हमने वही किया, उसको बांध किया है, बांध दिया हमने इसको, तो डबल कोट से हमने इसको रैप किया है, दैट इज द वे यू हैव टू से इट। अगर तुमको किसी को बोलना है कि डबल कोट लगाओ, तो उसको तुम ऐसा बोल सकते हो, रैप इट विद द डबल कोट्स, दैट एक्चुअली साउंड्स बेटर देन सेइंग एमेच्योर वे में तुम बोलोगे कि डबल कोट्स, पुट अ डबल कोट्स देयर, तो क्योंकि हमने उसको रैप किया हुआ, राइट। तो कुछ कुछ सेंटेंस में लोग बोलते हैं, मतलब समटाइम्स अगर तुम आई डोंट नो इफ यू कैन इफ यू हैव रजिस्टर्ड इट, अगर जब तुम देखोगे ना कोई से जो थोड़े से सिविल टाइप के ये रहेंगे, प्रोफेशनल पीपल आर टॉकिंग, दे से एज एन आई कोट, मतलब वो लोग क्या बोलेंगे कि सामने वाले बंदे ने, आई वाज टॉकिंग टू दिस पर्सन एंड ही सेड दिस एन आई कोट, आई विल नॉट गो टू योर होम अगेन अनकोट, तो वो लोग ऐसा बोलते हैं कोट एंड अनकोट। तो कोट एंड अनकोट का मतलब रहता है वो लोग सेंटेंस में बता रहे हैं तुमको कि मैं कोट करके बोल रहा हूँ डबल कोट के साथ में, तो वो ऐसा बोलते हैं कोट एंड अनकोट, और दो उंगली को ऐसा करते हैं, अभी मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन जो उंगली को ऐसा करते हैं ना, दो उंगली रहती है उनकी, ऐसा ये करके बताते हैं कोट एंड अनकोट, आई विल नॉट गो होम, दिस इज व्हाट ही सेड। तो उसने क्या बोला, दिस इज आई विल नॉट गो होम, ये सामने वाले बंदे ने बोला था, इसको मैंने डबल कोट में रैप करके बोला है तुम्हें, तो वो तुम्हारे सेंटेंस में भी रहते हैं, तो वो समझ नहीं, मतलब समझ तो जाते हैं हम लोग, लेकिन हम लोग बोल नहीं पाते, हमारे पास वोकैबुलरी नहीं आती है, एंड दैट इज उसी का पैसा है, तुमको प्रेजेंट करना है, बोल बच्चन की दुनिया है ना, तो वही है यहाँ पर भी।
तो लेकिन अब तुमको थोड़ा सा अपने हिसाब से करना पड़ेगा, तब तुम चीजों को अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। तो स्ट्रिंग्स विल ऑलवेज रैप दिस इन अ डबल कोट्स, और बूलियन रहेगा तो ट्रू फॉल्स रहेगा, दैट्स इट। ही कैन बी कैपिटल, ही कैन बी स्मॉल, सो ट्रू लाइक दिस इज ऑल्सो एक्सेप्शन और लाइक दिस इज ऑल्सो, वो मतलब कहीं कहीं पे है, नॉट ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस विल डू इट। एंड बाय द वे, ये जो डेटा टाइप्स में बता रहा हूँ ना, दीज आर ऑल गो डेटा टाइप्स, बट हमको गो में काम करना नहीं है। तो इन सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ट्रू का टी कैपिटल लेगा, कहीं पे ट्रू का टी स्मॉल लेगा, राइट। तो अगर वैसा कुछ है तो दैट इज ऑल्सो, मतलब वो तुमको समझना पड़ेगा, उनके डॉक्यूमेंटेशन में सारी चीजें रहती है, बट टेराफॉर्म में एचसीएल में दोनों एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। तो यू कैन गो विद दैट ईदर वे, ठीक है। लिस्ट के अंदर में क्या है, लिस्ट इज गोना बी लाइक दिस। लिस्ट में क्या रहेगा, ओनली वैल्यूज, ठीक है। अब ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इट कैन बी एनी ऑफ दिस, इट कैन बी नंबर, इट कैन बी स्ट्रिंग, इट कैन बी बूलियन। तो अगर तुमको लिस्ट लिखना है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि लिस्ट ऑफ आइटम, आइटम्स लिख देता हूँ, ठीक है। एंड ये ऐसा लिख दिया लिस्ट आइटम्स, ऐसा डाल देते हैं, और ये इस तरीके से आएगा। और क्लैरिटी एंड रीडेबिलिटी क्या किया जाता है, इसको ऐसा यहाँ से एंटर मार दिया जाता है, उसके अंदर जो भी रहेगा ना, तो अब इंडेंट किया जाता है, जो दो स्पेस मैंने दिया है ना उसको इंडेंट बोला जाता है, ठीक है। तो जस्ट रिमेम्बर दिस, दो स्पेस एरिया इंडेंट। अब ये मुझे बनाना पड़ेगा क्योंकि ये फिक्स हो गया इसके ऊपर में, तो लिस्ट ऑफ आइटम्स ले लेते हैं इक्वल टू, ये कर रहे हैं अभी मैं कह रहा हूँ चार ले लेता हूँ स्पेस। तो ज्यादातर दो स्पेस इज एक्सेप्टेबल, क्योंकि तुम्हारा कोड नहीं तो क्या होता है, बहुत दूर 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 चले जाता है, चार चार स्पेस करते हो। तो टैब, समटाइम्स टैब्स आर एक्सेप्टेबल बट नॉट, बट इन सम लैंग्वेजेस आर टैब ओके, इन सम लैंग्वेजेस आर टैब नॉट ओके, बट टैब अवॉइड करना ही सही है कोडिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से। सो ऑलवेज गो विद द डबल स्पेस, नॉट फोर स्पेस, क्योंकि डबल स्पेस दोगे ना तो जैसे तुम्हारा कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट रहेगा ना, तो तुम यहाँ पे पहुंच जाओगे, मतलब तुम यहाँ पर आ जाओगे, यहाँ पर आगे चार चार टैब देते देते, और अगर डबल करोगे तो तुम यहीं पे रहोगे, और वो रीडेबिलिटी के लिए आसानी करता है, क्योंकि जैसे जैसे स्पेस बढ़ेगा ना तो तुमको समझ में नहीं आएगा कि ये कौन सी लाइन में है, इसके नीचे कौन सा ये है, राइट। जब से ज्यादा हम लोग देखते हैं तो हमको मैच करना पड़ता है, एक्सेल वेक्सेल में देखते हो कॉलम रहता है, और अगर बीच में से सडनली मतलब कॉलम यहाँ पर रहता है एक्सेल में, राइट, और बीच में आ जाता है, हमको समझ में नहीं आता वो कौन से रो के अंदर में है, वो समझने के लिए हमको प्रॉब्लम होती है। तो वो प्रॉब्लम यहाँ पर भी आ जाती है, रीडेबिलिटी वाली प्रॉब्लम, अदरवाइज कोड को कुछ प्रोग्राम को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मशीन जाके प्रोसेस कर देगा अपना काम हो जाए, ठीक है, बट इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। अब इसके अंदर में हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, वी कैन ओनली हैव अ डायरेक्ट वैल्यू, तो आई कैन हैव अ नंबर, आई कैन हैव स्ट्रिंग, आई कैन हैव बूल, एंड आई कैन हैव लिस्ट इटसेल्फ। उसके अंदर में लिस्ट के अंदर में फिर से लिस्ट ले सकता हूँ, फिर से लिस्ट ले लिया तो क्या करना पड़ेगा, फिर से उसको इंडेंट मार देना पड़ेगा, फिर से इसमें नंबर आ सकता है, फिर से इसमें स्ट्रिंग आ सकता है, फिर से इसमें बूल आ सकता है, फिर से इसमें लिस्ट आ सकती है, राइट। तो ये क्या होगा, तुम्हारा ऑन एंड ऑन जा सकता है, और इसी को मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा नेस्टेड हो रहा है अभी, ठीक है। तो अब खाली जहाँ पे स्ट्रिंग लिखा है उसको डबल रैप करते हैं, ताकि उसको ऐसा बता देंगे, ये तो मैंने सूडो कोड लिखा हूँ, मतलब जस्ट तुमको बताने के लिए। फिर से इसमें नंबर आ जाएगा, फिर से इसके अंदर में स्ट्रिंग आ सकता है, फिर से इसमें बूल आ सकता है, राइट। तो इसमें देखो एक चीज क्या है, यू डायरेक्टली हैव द वैल्यूज, उसमें से तुम्हारा जो फोर्थ वैल्यू है ना उसके अंदर में और वैल्यूज है, तो वो नेस्टेड हो रहा है, राइट। जैसा इफ कंडीशन हमने लिनक्स के टाइम पे देखा था, नेस्टेड वे में लिखा हुआ था, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लिस्ट के अंदर में एक और लिस्ट आ गया, जो एलिमेंट है लिस्ट में क्या रहता है, ये एलिमेंट है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है, तो फोर्थ एलिमेंट क्या है, ये खुद एक लिस्ट बन गया फोर्थ एलिमेंट। फिर उसके बाद उस फोर्थ एलिमेंट के अंदर में एक और एलिमेंट है, क्योंकि वो लिस्ट है ना, तो लिस्ट के अंदर में एलिमेंट रहता है, तो ये देखो इस तरीके से जा रहा है, तो ये कैसा अंदर ही अंदर जाता है, और जब बहुत ज्यादा चले जाता है तब जाके कन्फ्यूजन हो जाता है, मतलब अगेन प्रोग्राम को कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होता, कन्फ्यूजन हमको होता, ठीक है। अब इसको एक्सेस करने के लिए तुमको अगर एक्सेस करना है, अगर एक सिंपल प्रोग्राम में मुझे एक्सेस करना पड़ेगा ना, तो अगर पाइथन में मुझे एक्सेस करना है तो सिंपली मुझे एक फॉर लूप रन करना पड़ेगा, देर इज नो अदर वे, मतलब देर इज अ वे। अगर मुझे डायरेक्ट प्रिंट करना है तो मुझे पता चलना चाहिए क्या प्रिंट करना है। मान लो मुझे प्रिंट एक अभी थोड़ी मीनिंगफुल लिस्ट बनाते हैं, ठीक है, लिस्ट एक
इसके अंदर में मैं पहले नंबर ले लेता हूँ वन, नाम ले लेता हूँ फोन, और इसको दे देते हैं टू, और यहाँ पे एक और लिस्ट ले लेते हैं जॉन के पास में भी लिस्ट है, मतलब जॉन का अब ऐसा ले लेते हैं उसका बेटा है तो उसको नाम दे देते हैं टू, यहाँ पे उसको देना पड़ेगा सन्स, फिर ऐसा करना पड़ेगा तो इसमें दे देते हैं उसको नंबर दे देते हैं दो, नाम दे देते हैं पॉल, और इसको दे देते हैं फॉल्स, इसको कोई बेटा नहीं है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। इसमें देखो पहला डेटा टाइप क्या है, पहला जो डेटा टाइप है पहला डेटा, अगर मुझे नंबर लेना है कि जॉन का नंबर क्या है तो मुझे प्रिंट, एक प्रिंट फंक्शन चला सकता हूँ मैं ऐसा, एक पाइथन का मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ, बट अगेन तुम ज्यादा इस पर फोकस मत रहो। इसमें लिस्ट आइटम्स करके निकालूंगा मैं, और मुझे इंडेक्स देना पड़ेगा, और प्रोग्रामिंग में जीरो इंडेक्स रहता है। अगर मैं इसको पाइथन में ऐसी लिस्ट बनाता हूँ और ये चलाऊंगा तो क्या होगा, नंबर वन प्रिंट हो जाएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा, नंबर वन आएगा, ठीक है। इसमें एक्चुअली ऐसा नहीं आएगा क्योंकि लिस्ट है ना, तो उसमें की वैल्यू नहीं आता, इसमें डायरेक्ट वैल्यू रहता है, तो डायरेक्ट वैल्यू हमारा ये रहेगा, मतलब ये जो मैंने बताया ना यहाँ पर, क्योंकि मैंने सम लगाने के बाद क्या हो रहा है, की हो गया, मतलब वो एक्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन अभी वो डेटा टाइप हमने डिस्कस नहीं किया इसलिए मैं लेने का। तो ये हो जाएगा, अगर मुझे ये अगर मैं ऐसा प्रिंट करता हूँ पाइथन में, इफ आई डू लाइक दिस, तुम कोई सी भी लैंग्वेज ले सकते हो, पाइथन यहाँ पे इजी वे में बता दे रहा हूँ इसलिए इजी है। अगर मैं इसको करता हूँ क्या रहेगा, नंबर ये 0 1 2 3, अगर मैं 3 करूंगा तो ये क्या प्रिंट करेगा पता है, ये पूरी लिस्ट प्रिंट कर देगा मुझे, ये इसको मुझे फिर से पूरी की पूरी लिस्ट ऐसी आ जाएगी, ये एक्चुअली ऐसे ही आएगा, मतलब ये प्रिंट होके नहीं आएगा इस बार, ये इस बार वन आएगा, कॉमा रह के फॉल आएगा, और ये कॉमा होके फॉल्स ऐसा आ जाएगा, तो ये इस तरीके से आएगा। तो दिस एंड दिस दे आर सेम, बाय द वे यहाँ पे हर जगह कॉमा लगाना रहता है, व्हिच आई फॉरगॉट, तो ये दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आपको कॉमा लगना चाहिए, लास्ट वाले को कॉमा नहीं लगेगा, बिकॉज ये मेरा फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और ये मेरा ये 0 1 2, और ये एलिमेंट राइट, थर्ड लास्ट एलिमेंट रहेगा उसको कॉमन नहीं रहना चाहिए, जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस, यू कैन राइट दिस इन अ वन लाइन लाइक दिस। तो ये इसी को मैं सीधा ऐसा भी लिख सकता था, लेकिन अभी इसको वन लाइन लिखने में क्या होगा, ये प्रिटी नहीं दिखेगा, वन लाइन अगर मैं इसको लिखता हूँ तो ये कैसा हो जाएगा लिस्ट, इसको लिस्ट ऐसा लिखते हैं, इसको वन लाइन में लिखेंगे तो ये आएगा। अब ये वाला एकदम सिंपल है तो तुम ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा तुमको, लेकिन अगर ये ज्यादा आगे जब मैप जब आएगा ना तब समझेगा तुमको, कर दिया फिर से वापस एक आ गया, इसके अंदर में टू है, इसके अंदर में फिर से पॉल है, इसमें पॉल आ गया एंड फॉल्स आ गया, ठीक है, ये पूरा वन लाइन में आ गया है। तो अब ये थोड़ा सा कैसा कंफ्यूजन बढ़ा दिया तुम्हारे लिए राइट, इसमें तो थोड़ा सा आसानी से समझ में आ रहा था, इसमें कैसा थोड़ा सा कंफ्यूजन अब बढ़ गया, ये जैसन मतलब इसी तरह से रहता है। अब तुम लोग खाली लिस्ट देख रहे हैं, और ये एग्जाम्पल में सिर्फ दो ही लिस्ट, लिस्ट के अंदर में एक लिस्ट यूज किया है, तो अब इसको यूज करने के लिए क्या करना पड़ता है, तुमको एक तरीके का लूप चलाना पड़ेगा, एक एलिमेंट प्रिंट करना है तो ऐसा प्रिंट हो गया, लेकिन तुमको अगर इसके अंदर में लिस्ट बनाने का पर्पस ये रहता है कि यू आर एक्सपेक्टिंग मोर देन वन एलिमेंट, एंड तुम इस तरीके से हार्ड कोड नहीं कर सकते, दिस इज अ हार्ड कोडिंग राइट, यहाँ पे हमने लिटरली हार्ड कोड कर दिया उसको, तो ये हार्ड कोडिंग नहीं चलेगा। लूप में करने के लिए तुम उसको लूप में रन कर सकते हो, लूप में क्या होगा, ये नंबर खाली ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होगा, फर्स्ट इटरेशन में अगर मैं ऐसा करता हूँ कि फॉर एलिमेंट इन लिस्ट आइटम्स, ये तो हमने सबने देखा था ना इसके अंदर में सेल में, मतलब प्रोग्राम सेल स्क्रिप्टिंग की प्रोग्रामिंग में ये फॉर लूप वाला मैंने बताया था राइट, तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अभी फॉर सेल स्क्रिप्ट में यू कैन नॉट इटरेट ओवर अ लिस्ट, दैट्स द थिंग, तुम उसमें नहीं कर सकते। शेली स्क्रिप्ट में क्या देखा था हमने, एवरी न्यू लाइन वाला या स्पेस सेपरेटेड रहेगा तो वो लिस्ट फॉर में फॉर के लूप में लगा लेता। लिनक्स की क्लास के जो आखिरी वाले लेक्चर से पूरा स्क्रिप्टिंग हमने डिस्कस किया, तो जाके देखना होगी अगर नहीं समझ में आ रहा है फॉर लूप क्या हो रहा है यहाँ पर। तो ये क्या होगा, एलिमेंट की वैल्यू क्या रहेगी, फर्स्ट इटरेशन में वन, सेकेंड इटरेशन में क्या रहेगी वन, थर्ड इटरेशन में क्या रहेगी ट्रू, और फोर्थ इटरेशन में पूरा का पूरा ये लिस्ट ये एलिमेंट खुद बन जाएगा, ठीक है।
तो ये उसका वैल्यू बन जाता है, ये इस तरीके से वैल्यू बन जाएगा। और इस तरीके से हम लोग पाइथन में इसको कर सकते हैं, उसको आइटम्स लगाना पड़ता है तब जाके होता है पाइथन में। लेकिन वी आर नॉट डूइंग पाइथन। पाइथन में एक फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है जिसका नाम है आइटम्स, और वो तुम यूज करते हो जब भी तुमको इटरेट करना रहता है लिस्ट पे या मैप पे। तो हम लोग अभी लिस्ट पे मैप इटरेट कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग ऐसा कुछ लगाएंगे। लेकिन हम लोग पाइथन करने वाले नहीं है, हम लोग को पूरा ये टेराफॉर्म में करना है आगे जाके। और अगेन इतना कॉम्प्लेक्स नहीं रहेगा, टेराफॉर्म में बहुत आसानी से हो जाएगा। लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग में प्लांट कर रहा हूँ तुम्हारे अंदर कि लिस्ट इस तरीके से रहती है। लिस्ट में क्या रहता है, ओनली वैल्यूज, राइट? दिस इज इम्पोर्टेंट, ये भी एक याद रखना। आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा जगह मिलेगी। तो समझ गया ना, उसके अंदर में तुम कोई सा भी डेटा टाइप्स ले सकते हो, लिस्ट खुद भी आ सकता है, एक एक वैल्यू की जगह पे वो खुद भी आ जाएगा। तो दैट इज द वे यू कैन कंस्ट्रक्ट द नेस्टेड वे, नेस्टेड एलिमेंट, राइट? So you can take number, you can take string, you can take boolean, you can take the list in the list itself, ठीक है? और जो एक final type है हमारा, that is map. अब map में क्या रहता है? Map represent किया जाता है curly braces से, ठीक है? This is called square bracket, और this is called curly braces, और इसको बोला जाता है parenthesis, ठीक है? जो normal bracket रहता है, तो parenthesis है। तो सारे चीजों को मतलब समझो और समझो करो तभी समझ में आएगा। इसको पैरेंथेसिस बोला जाता है, लिखने की जरूरत, ठीक है? अगर किसी को पढ़ने में तकलीफ हो रही है, क्या बोल रहा हूँ मैं, बोलने नहीं आ रहा है, तो सुबह सुबह उठ के प्रैक्टिस करो, जबान तोड़ो अपनी, तब जाके चीजें होगी और रिपीट लाओगे तभी होगा, ठीक है? दिस इज मैप, दिस इज पैरेंथेसिस, नॉर्मली ये फंक्शन में यूज होगा, ठीक है? और लिस्ट के लिए ये है और मैप के लिए ये है। अब मैप में कैसा है, लिस्ट के जैसा ही है वो, लेकिन उसके अंदर में हमारे पास में और की वैल्यूज रखता है, ठीक है? तो अगर मैं लिखता हूँ कि मैप ऑफ आइटम्स, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कर्ली ब्रेसेस लेने पड़ेंगे, सेम पे मार देंगे, सेम लिस्ट के जैसा कंसेप्ट है। इसमें क्या रहेगा, लिस्ट के साथ में ये रहेगा, तो इसमें मैं बोलूंगा कि मैं बोल सकता हूँ कि आइटम नंबर बोल दीजिए 1, ठीक है? ऐसा बताना पड़ेगा। तो इसको, इसका डेटा टाइप क्या है, नंबर है, ठीक है? हो गया, इसे लेना पड़ेगा, ले लेते हैं। तो इसमें मैंने आइटम नंबर बोलता हूँ, यहाँ पे मैं आइटम नंबर में हम लोग कुछ भी दे सकते हैं। इसका डेटा टाइप क्या रहेगा, नंबर। सेम एग्जाम्पल में लेके बता देता हूँ तुमको, जो हमने इसमें दिया था। नेक्स्ट में हम लोग ले रहे हैं नेम, और इसमें क्या दे रहे हैं हम लोग, स्ट्रिंग, इसका डेटा टाइप। और नेक्स्ट में हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अवेलेबल ले लेते हैं, मतलब अवेलेबल है या नहीं, तो उसको हम लोग ले रहे हैं बूल। और फिर उसके बाद में सन्स के लिए हमने क्या किया था, मतलब उसके बेटे को बताने के लिए हमने क्या लिया था, लिस्ट ले लिया था। तो ये हो गया मैप। मैप में क्या है, क्या क्या आ रहा है हमारे पास में, की आ रहा है और वैल्यू, की वैल्यू, की वैल्यू, की वैल्यू, ठीक है? तो इस तरीके से ये मैप बन गया। तो ये एक एग्जाम, इसमें और एक और चीज डाल सकते हैं हम लोग, मैप के अंदर खुद भी मैप को भी डाल सकते हैं। तो एक और अगर यहाँ पे लेते हैं एग्जाम्पल बताते हैं, कुछ सोचना पड़ेगा उसके लिए। तो अगर ऐसा करते हैं, ठीक है, उसके पास सन्स है और उसके पास में मोर आइटम्स ले लेते हैं, तो फिर से उसको ये ले सकते हैं मैप ऐसा, और फिर इसके अंदर में वापस से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं हर चीज। फिर से उसके अंदर में की आएगा और उसका वैल्यू रहेगा, की वैल्यू, एंड दिस कैन बी एनीथिंग। अब यहाँ पे की है सम्स और उसका वैल्यू क्या है, लिस्ट में आ रहा है, मतलब जो भी डेटा रहेगा दैट वुड बी इन द लिस्ट, और वो लिस्ट में तुम ये पूरी लिस्ट को फिर से फिट कर दो इसके अंदर। और इस तरीके से क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर तुम्हारा बनेगा जब तुम्हारा नेस्टेड रहेगा। एकदम सिंपल क्या रहेगा कि यू ओनली हैव दिस, यू तुम्हारे सारे मतलब की वैल्यू में सारे तुम्हारे स्ट्रिंग्स हैं, ऑल यू हैव स्ट्रिंग, that is a simple data type, all you have numbers, all you have booleans, or you have the combination of these three, बहुत आसान रहेगा, right? ज़्यादा ये नहीं रहेगा, ये तीनों data type आ रहे हैं, तो एकदम simple सा map बन रहा है। लेकिन जैसे map के अंदर में list आ रहा है और उसके list के अंदर में फिर से list आ रहा है, फिर से map आ रहा है, तो data type वही रहेगा। map में list आएगा, फिर उसके अंदर में वापस से list में, ये ऐसे complex होते जाएंगे, ठीक है? अब इसको इटरेट करने के लिए क्या करना पड़ता है, सिमिलरली ऐसी कोड रहेगा जैसा यहाँ पे लिखा है मैंने, फॉर एलिमेंट बोला था ना, तो अब यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, अगर एक
बना लेते हैं मैप आइटम। शायद भी इसमें मैप्स आइटम में भी जो है तो अंदर का डेटा जो है तो कॉमा से सेपरेटेड होगा जैसे लिस्ट में हो रहा है। यस यस कॉमा सेपरेटेड रहेगा, करेक्ट, गुड क्या, तो सारे मतलब कॉमा सेपरेटेड रहेंगे। तो मैं आइटम नंबर लिख देता हूँ, एक ऐसा सिस्टम या इसमें इसमें लिखते हैं नंबर क्या है, 1 है, इसको दे देंगे कॉमा, और उसके बाद में नेम में दे देते हैं उसको जॉन, क्योंकि स्ट्रिंग का, फिर से कॉमा, और अवेलेबल में ले देते हैं उसको ट्रू, मतलब उसको बच्चे हैं या नहीं ऐसा कुछ दे दे रहा हूँ। फिर उसके बाद में उसके सन्स की लिस्ट में हम लोग लिस्ट ले लेंगे, इसलिए लिस्ट अंदर जाएगी। फिर उसके बाद में उसके बेटे का नंबर आएगा 1, फिर ले सकते हैं नेम। लिस्ट के अंदर में लिस्ट में लिस्ट लिया ना हमने तो सिर्फ वैल्यू आएगा, तो इसमें मैप ले लेते हैं फॉर नाउ, आगे लिस्ट लेते हैं अंदर में। अब लिस्ट के लिए कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ ऐसा लिस्ट में ले लेते हैं जो ये ले लेते हैं कि कलर्स ले लेते हैं, कितने कलर्स हैं इसके पास, और लिस्ट में कर देते हैं तो रेड कलर है इसके पास, ब्लू कलर है, ठीक है दो कलर ले लेते हैं। इसके सन में इसका नंबर दे देते हैं, नंबर उसके बेटे का 2 आ जाएगा, नेम में कुछ भी दे देते हैं, पॉल ऐसा दे दे रहे हैं हम लोग के ये है, और उसके बाद में ये यहाँ पे एक डेटा टाइप है तो इसको ये हो जाएगा, फिर ये सन्स है एक डेटा टाइप है, लास्ट डेटा टाइप मान लेते हैं इसको और इसको छोड़ देते हैं, ठीक है तो ठीक है ठीक है, क्योंकि अब आइडिया समझ गया, अभी फिर से रिपीट करने का हमारा प्लान है, राइट। सन्स में हम लोग फिर से नंबर और नाम और फिर उसका उसको क्या कर देंगे अवेलेबल, मतलब उसको सन है क्या उसको फॉल्स कर देते हैं। अभी जस्ट रैंडमली सोचा है मैंने तो मे नॉट मेक लॉट ऑफ सेंस कि हम लोग क्या कर रहे हैं, बट दैट्स नॉट द पॉइंट, राइट। पॉइंट इज पॉइंट ये है कि तुम उसको समझो, क्या चल रहा है वो समझना ज्यादा पॉइंट है हमारा, ठीक है। अब इसको करने अब ये लास्ट आइटम था ना तो उसको कॉमा नहीं लगाना है, दैट्स द ओनली थिंग यू हैव टू रिमेंबर, जो भी लास्ट आइटम रहेगा उसको कॉमा नहीं लगाना है। अब इसको इटरेट करने के लिए थोड़ा सा मतलब सेम वैसी कंडीशन जाएगी। अब इसके अंदर में तुमको ये जो एलिमेंट है ना ये हमारा वेरिएबल का नाम है, राइट। यहाँ पे क्या था ये जो एलिमेंट हमने लिया था दैट्स द नेम ऑफ द वेरिएबल वी डिसाइडेड, हम लोग इसको कुछ भी दे सकते हैं ना, हम लोग उसको एम्प्लॉय बोल सकते हैं, एक जस्ट ए बोल सकते हैं, आई बोल सकते हैं, एक्स बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। जस्ट अगला हमारा कोड में हम लोग को सिर्फ क्या करना पड़ेगा वही वेरिएबल यूज करना पड़ेगा जो भी हमने यहाँ पे बोला हुआ, ठीक है। जिन लोगों को अगर शेल स्क्रिप्ट का फॉर लूप आता है तो दे नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। लेकिन फॉर लूप में क्या है हम लोग लिस्ट को इटरेट नहीं कर सकते, फॉर लूप में तुम क्या मल्टी लाइन और स्पेस सेपरेटेड और कॉमा सेपरेटेड और पाइप सेपरेटेड को कर सकते हो, यू कैन ओनली डू द सिंपल डेटा टाइप्स इटरेशन, मतलब फॉर लूप जो शेल का है। इसलिए यहाँ पर अब जो शेल का जो लिमिटेशन दिखेगा, क्योंकि शेल में अगर तुमको लिस्ट को इटरेट करना है तो देर इज नो वे, आई मीन यू कैन डेवलप योर ओन बट किसी ने उतना एफर्ट नहीं डाला हुआ है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या है किसी ने कोड डेवलप करके रखा हुआ, तो दैट्स हाउ इट्स ऑल हैपनिंग। यस बोलो अमजद। मतलब शेल में हम नेस्टेड डेटा टाइप्स पे इटरेट नहीं कर पाएंगे, वो लिमिटेशन है। हां तो शेल में मतलब कर हम लोग कर सकते हैं, लाइक तुमको पूरा लॉजिक लिखना पड़ेगा कि भाई लिस्ट आएगा तो तुम ऐसा करना, क्योंकि ये सारे पाइथन में गो में किसी ने लिख के रख दिया बट शेल में किसी ने उतना एफर्ट नहीं डाला। तो शेल में हम लोग सी एस वी मतलब कॉमा सेपरेटेड को इटरेट कर सकते हैं, पाइप सेपरेटेड को कर सकते हैं, स्पेस सेपरेटेड को कर सकते हैं, न्यू लाइन वाले को कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसा लिस्ट विस्ट आएगा ना तो उसको नहीं कर सकता शेल, तो उसके अंदर में कुछ है नहीं उसका अभी दिखा हुआ। तो ये जो उसको कर पाता ना उसको हम लोग बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, जिसको बोला जा रहा है। इसके अंदर में अब हमको दो वेरिएबल लेने पड़ेंगे फॉर लूप में जो है ना, हमको दो लेना पड़ेगा। मैं एक ले सकता हूँ वेरिएबल का नाम की, दूसरे वेरिएबल का नाम वैल्यू इन जो मेरा है मैप अंडरस्कोर आइटम्स, और क्योंकि पाइथन में है तो मुझे एक फंक्शन लगाना पड़ेगा जो फंक्शन मुझे हेल्प करेगा इटरेट करने के लिए। तो ये तो दूसरे केस में हमको समझना पड़ेगा कि भाई इसको इटरेट कैसा करना है। अब मेरे जो लॉजिक में मुझे की मिलेगा, की क्या रहेगा ये रहेगा। तो अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि फर्स्ट टाइम पे मैं बोलता हूँ प्रिंट की, मैं ऐसा बोलता हूँ कि फर्स्ट इटरेशन में क्या करेगा वो आइटम नंबर को प्रिंट करेगा, आइटम नंबर लिटरली नॉट द वैल्यू, राइट, वो नंबर प्रिंट करेगा यहाँ पर। अगर मैं वैल्यू बोलूंगा यहाँ पर ये वाला वो, तो वो 1 प्रिंट कर देगा, तो क्या होगा 0
चार बार ये घूमेगा ना तो चार बार चार प्रिंट आएगा, पहले इसमें नंबर बोलेगा, नेम बोलेगा अवेलेबल, और फोर्थ वाले इसमें कलर्स बोल देगा, लेकिन उसका वैल्यू नहीं आया राइट। अगर ये वैल्यू ऐसा आ जाएगा फिर से, अब ये वैल्यू क्योंकि खुद क्या है, ये खुद लिस्ट है, उसको करने के लिए फिर से वो क्या कर देगा, यहाँ पे प्रिंट मार देगा इटरेशन में, या फिर इसको हम लोग ऐसा प्रिंट कर सकते हैं। अगर मुझे सिर्फ 14 चाहिए ना तो मैं आई कैन जस्ट प्रिंट ऐसा बोल सकता हूँ, ठीक है। एलिमेंट है, अभी एलिमेंट है, बस वही एक गेम है, उनको समझना है एलिमेंट में। अब मैं ये बोलूंगा तो क्या करेगा वो लिस्ट को वैल्यू, मतलब उसमें ये लिस्ट और रेड ब्लू प्ली प्रिंट कर देगा। अब इसको मैं अगर मुझे एक इंडिविजुअल रेड वर्ड यूज करना है कि आई हैव अ रेड कलर, आई हैव अ ब्लू कलर लाइक दैट, तो मुझे फॉर लूप के अंदर में एक और लूप चलाना पड़ेगा, एंड दैट्स व्हाट हैपेंस। जब भी नेस्टेड आएगा ना तो लूप के अंदर लूप रन करना पड़ता है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, मुझे एक और लूप चलाना पड़ेगा और मैं बोलूंगा फॉर कलर इन, और उसके बाद में ऐसा लिख दूंगा वैल्यू, ये वाला वैल्यू लिख देता हूँ फॉर डॉट आइटम्स। तो क्या होगा छोटे वाले में, या फिर यहाँ पे इफ कंडीशन में लगा सकता हूँ कि अगर इसका डेटा टाइप क्या है, अगर मतलब अभी हर इसमें आ रहा है, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर दिस लाइक हार्ड कोडेड वे, अगेन दिस इज नॉट द वे यू वुड डू दैट राइट, नॉर्मली तुम ऐसा नहीं करोगे, तुमको ऐसा करना पड़ेगा। और ये कब करोगे, तुम इफ कंडीशन में डाल सकते हो, इसका इफ कंडीशन में टाइप ले सकते हो वैल्यू का टाइप, अगर वैल्यू का टाइप इक्वल इक्वल टू जो भी रहेगा, मतलब मान लो इसका टाइप तुम ले लेते हो लिस्ट आता है, तो फिर तुम क्या करो उसको फिर से फॉर लूप कराओ राइट, क्योंकि वैल्यू का टाइप उसने लिस्ट रिटर्न किया है तो ही करो, क्योंकि तुम अगर वैल्यू का टाइप नंबर रिटर्न करेगा तो फिर उसको लूप करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट प्रिंट हो सकता है राइट, तो क्यों फिर से वापस लूप करते बैठना है। तो अगर वो लिस्ट करता है या मैप करता है तो हम लोग फिर से उसको कर सकते हैं, तो दैट्स द वे यू डू इट। अभी सारा सूडो कोड लिखा है मैंने यहाँ पे, सिर्फ लॉजिक तुमको समझाने का मेरा मेन पर्पस था, कोड राइट करेक्ट कोड लिखना पर्पस नहीं था राइट। तो अगर कोड तुम पाइथन में जाके चलाने की कोशिश करोगे इट मे नॉट वर्क, लेकिन इसका इक्विवेलेंट कोड तुमको मिल जाएगा अगर इफ यू वांट टू डू इट राइट, अगर तुमको काम करना है मैं पर लिख देता हूँ। तो ये यहाँ पे दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग इन ऑल दिस, यहाँ पर ये वाला, और यही चीज करने के लिए अभी देखो यहाँ पे रीजन व्हाई आई एम एक्चुअली स्पेंडिंग टाइम डायरेक्टली ऑन द टेराफॉर्म, बिकॉज जैसा मैंने बोला कि टेराफॉर्म से तुमको पैकर आसानी से आ जाएगा, एंड अभी जो करंट टास्क है दैट इज दैट विच आई वुड वॉन्ट यू गाइज टू मे बी हम लोग यूटिलाइज करें आज का टाइम, कल का टाइम, परसों का टाइम, एंड देन गेट सम वर्क डन। और मैं जो लोग शॉर्ट लिस्ट होंगे ना उन्हीं को मैं क्लाउड का एक्सेस दूंगा राइट, जो फॉर योर लर्निंग पर्पज यू कैन क्रिएट योर ओन अकाउंट, बिकॉज हमारे पास में लैब है बट दैट लैब वो फ्री टीयर में नहीं है, वहाँ पे बिल होता है, तो क्योंकि मुझे भी सिर्फ उन पे इन्वेस्ट करने में मतलब ज्यादा बेहतर है जो लोग एक्चुअली कर रहे हैं, सबके लिए ओपन करके रख दूँ, सब आके प्ले ग्राउंड करूँ, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग फ्रॉम एनीवन राइट, तो मैं कहाँ से वो क्लाउड वालों को भी पैसे दूँ, जो मैं कर सकता था दैट आई एम ट्राइंग टू डू, कि फ्री में तुमको चलो दे दे रहा हूँ, मेरे मुझे पैसे नहीं मिल रहे दैट्स फाइन, लेकिन क्लाउड AWS तो नहीं बोलेगा कि भाई हाँ चलो तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो ले लो फ्री में यूज करो बच्चे लोग को सिखाओ, तो उसके लिए उसने बोला कि हमने फ्री टीयर ऑलरेडी बनाया है तुम उसमें करो, तो अभी फॉर मे बी फॉर अ वीक और टू यू नीड टू कम यूटिलाइज योर अकाउंट, और प्रोजेक्ट का अकाउंट जिनके पास है प्लीज डोंट डू दिस राइट, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास में लिमिटेड बजट है एंड वी हैव टू, सो इफ यू हैव द AWS अकाउंट डोंट यूज फॉर इट लर्निंग, ओनली यूज फॉर द प्रोजेक्ट स्पेसिफिक थिंग, ठीक है। तो इस जहाँ पर भी जो मैं आगे सिखाऊंगा तो जब तुमने यूज करना है तो तुमको अकाउंट रहेगा, तो वही मतलब हम लोग को टिकट रहेगा, बिकॉज दैट्स अ लैब इन्वायरमेंट जो हम मैं रेप्लीकेट कर रहा हूँ, जो भी हमारे प्रोजेक्ट स्पेसिफिक टास्क रहेंगे वो करने के लिए, तो हम लोग वहाँ पे करके समझ सकते हैं, एंड देन वी कैन डेवलप एंड प्रिपेयर द कोड, तो वो तरीके से रहेगा। तो पैकर में हमारा फायदा हो जाएगा, वी कैन यूज दिस जो अभी डिस्कस किया पूरा HCL पैकर में वही इसी से किया हुआ रहता है, और क्लाउड भी मतलब टेराफॉर्म के साथ में हम लोग क्लाउड वगैरह करेंगे, ओनली Ansible डॉकर और ये सब रह जाएगा, Jenkins भी करेंगे, और Jenkins भी ज्यादा मतलब डिफिकल्ट नहीं है उसको भी कर लेंगे। Jenkins में अगेन मोस्ट ऑफ द मॉडर्न अभी ये प्रोजेक्ट का मतलब है कि दे आर यूजिंग इट Jenkins, बट मोस्ट ऑफ द मॉडर्न CI/CD टूल्स Jenkins को भी बहुत सारे लोग रिटायर कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नॉट दैट पॉपुलर जो उसका पॉपुलरिटी पहले था, लेकिन कंपनीज कैसी रहती है स्पेशली कंपनीज लाइक दिस प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, दे आर नॉट IT कंपनीज राइट, सो दे डोंट रियली वॉन्ट टू कम्पीट इन IT। हाँ ठीक है, नई टेक्नोलॉजी कुछ भी चले, हमारा काम चल रहा है, हमको कुछ चेंज नहीं करना,
तो हम लोगों ने कैसा वैसा करके 10 साल पहले जेनकिंस को बिठा दिया, अब हम लोग जेनकिंस को हटाने वाले नहीं है, जब तक वो मरता नहीं है तब तक उसको चलाएंगे, क्योंकि हमारे पास लोग कंफर्टेबल हो गए उस चीज से, अब हम नया कुछ लाने वाले नहीं है। तो दैट्स अ वन ड्रॉबैक। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जैसा बोला ना, गवर्नमेंट जैसा जॉब रहता है, लोग अपने कंफर्ट जोन में चले आते हैं, उनकी लर्निंग खत्म हो जाती है। जैसे तुम मार्केट में जाओगे तो वो रियलिटी चेक बैठता है, कह रहे हमको तो कुछ आता ही नहीं है, मतलब ये लोग तो क्या क्या पूछ रहे हैं हमको पता ही नहीं। तो वो ड्रॉबैक भी है, आराम से बैठ के मतलब ढेरी लाने का कर सकते हो काम, लेकिन अगेन तुम दिमाग को भी स्ट्रेस नहीं रहेगा और तुम्हारी लर्निंग को भी स्ट्रेस नहीं रहेगा, तो खत्म हो जाता है। तो ये कंपनीज में मतलब तुमको देखने मिला है, क्योंकि ये कंपनीज का रहता ही नहीं है कि हमको, इनका ऐसा है कि भाई हमारा काम चल रहा है, मेरा काम है कपड़े बेचना, अगर मेरी साइट डाउन हो जाती है तो मेरा कपड़ा बेचना बंद हो जा रहा है, तो मैं क्यों उस पर फोकस करूँ, जो जैसा चल रहा है उसको चलने दो ना, क्यों जाके मैं उसको चेंज करके दूसरा लेकर आऊँ। तो नए कंपनीज आर गोइंग फॉर अ न्यू मॉडर्न KICD टूल्स। द बेनिफिट इज ऑल द मॉडर्न KICD टूल्स जो जिनको बोला जाता है कि कॉन्फिग्रेशन एज अ कोड जो आ रहा है वो पूरा YAML में लिखा हुआ रहता है, एंड दैट इज एक्चुअली मच मच इजियर टू राइट। जेनकिंस का प्रॉब्लम ये है कि वो एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ है जो कि जावा बेस्ड है, जिसको ग्रूवी बोला जाता है, ठीक है। सो वी नीड टू लर्न समथिंग वेरी स्पेसिफिक टू जेनकिंस एंड वी मे नॉट बी रीयूज दैट इन समवेयर एल्स। अगर हम लोग YAML में लिखते हैं तो हमको YAML हर जगह पे यूज हो रहा है, YAML एक्चुअली वी आर यूजिंग YAML इन Kubernetes, Docker, Packer, Ansible, Terraform, इवन द क्लाउड के बहुत सारे जो मतलब टूल्स आते हैं उसमें भी कर सकते हैं, GitHub पे भी। तो YAML मतलब हर जगह पे यूज हो रहा है आज की तारीख में, एंड फॉर Jenkins also have it, but Jenkins में इतना सपोर्ट नहीं है और उतना कोड अवेलेबल नहीं है मतलब कम्युनिटी में जो तुम कॉपी पेस्ट करके डाल सकते हो, तो वो एक यहाँ पे एक अलग चीज हमको करनी पड़ेगी आगे जाके। और अभी करंट टास्क इज टू क्रिएट अ पाइपलाइन, अभी फास्ट डिस्क्राइब कर देता हूँ। यू नीड अ पाइपलाइन फॉर अ इमेज रिफ्रेश करना है, बेसिकली हमको क्या करना है, गूगल ये जितने भी है ना गूगल के जो सर्टिफाइड इमेजेस हैं, गूगल क्या करता है हर 30 डेज में 45 डेज में इमेज को पब्लिश करता है, नई इमेज बनाता है। AWS भी वही करता है हर 30 डेज 45 डेज में, AMI को ये करता है क्योंकि कर्नल लेवल की वल्नरेबिलिटीज रहती है तो वो उसको फिक्स करनी रहती है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती है, मतलब सिक्योरिटी को स्ट्रेंथनिंग सिक्योरिटी हार्डनिंग करनी पड़ती है हमको, और उसके लिए जो है CIS बेंचमार्क चलता है, ठीक है। CIS बेंचमार्क के बारे में आगे बता दूंगा थोड़ा बहुत। CIS बेंचमार्क क्या कर रहा है, तुमको सारे सिक्योरिटी की चीजें बता रहा है कि ये फाइल परमिशन इस फाइल की परमिशन क्या होनी चाहिए, ये क्लाइंट तुमने इंस्टॉल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये वाली टूल को मतलब लोकेशन उसका वो कर दो, तो वो सारी चीजें बता देता है कि ये पोर्ट ओपन है, ये प्रोसेस रन हो रहा है, ये प्रोसेस में ये वल्नरेबिलिटी आई हुई है, तो वो सारी चीजें मतलब जो है बेंच ये है, तो वो बेंचमार्क हम लोग रन कर सकते हैं। उसके लिए कुछ नहीं, स्क्रिप्ट बनी हुई रहती है, वो स्क्रिप्ट रन करोगे फाइल का परमिशन चेंज कर देगा, एक कोई अननेसेसरी यूजर है उसको उड़ा देगा, कुछ ऐसा करने लेवल पे अगर तुम्हारा कोई वर्जन पुराना है तो वो सारी चीजें बता देता है। तो एक CIS बेंचमार्क है जो कि 300-400 चेक्स करता है और तुमको अलग अलग वल्नरेबिलिटीज बता देता है कि तुम्हारे लिनक्स सिस्टम पे वो है या नहीं। तो पैकर वैकर से वो सारे होता है, तो गूगल वो सब गूगल क्या करता है कर्नल लेवल के हमको करके देता है, और कर्नल लेवल के जो भी पैकेजेस रहते हैं सिर्फ उसी को करता है, क्योंकि वी आर टेकिंग अ वेनिला इमेज। तो हमारा टास्क ये है कि जब भी गूगल नई इमेज लाएगा तो वी नीड टू एक्चुअली बिल्ड दैट। तो हमारे पास में क्या है, हमारी सिचुएशन क्या है अभी, लेट्स डिस्कस दिस हियर। गूगल की ये इमेज है, ठीक है, ओके, एंड ये गूगल क्या करता है, गूगल वेनिला इमेज है, तो ये क्या करेगा कर्नल लेवल तक का ही काम कर रहा है, कर्नल के पैकेजेस, कर्नल और ड्राइवर्स जो भी रहेंगे जो ये करने के लिए, ठीक है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे कर दे रहा है, और जो भी मतलब बेयर मिनिमम पैकेजेस इन ऑर्डर टू रन योर ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट्स इट, देयर इज नो एप्लीकेशन रनिंग, एंड गूगल के एजेंट रन हो रहे हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। सिमिलरली AWS पे करोगे AWS के एजेंट रन होते हैं, तो क्योंकि दे आर मैनेजिंग इट सो दे हैव टू रन देयर एजेंट्स, तो वो सारी चीजें आ जाती है। गूगल की वेनिला इमेज लेना है हमको, हम लोग यूज केस इस इमेज के ऊपर में वी नीड टू इंस्टॉल एप्लीकेशन, मतलब हमको क्या क्या इंस्टॉल करना है, वी हैव टू इंस्टॉल जावा, वी हैव टू इंस्टॉल फ्यू मोर एप्लीकेशन, कस्टम ऐप है और यूजर क्रिएशन है, और भी मतलब बहुत सारे आएंगे, और वो हार्डनिंग करना है, ठीक है। ये सारी करने के बाद में ये मतलब क्या करना है, VM बनाना है, उसके ऊपर में ये सब रन कर देना है, सब इंस्टॉल हो जाएगा, और फिर उसके बाद में फिर से एक नई इमेज बना देनी है, तो ये हमारी इमेज रहेगी,
तो ये माय कस्टम इमेज, ठीक है, और ये इमेज को यूज करना है। अभी तो कोई भी वहां पे वीएम बनाएगा ना गूगल में, तो वो ये इमेज यूज नहीं करेगा Ubuntu वाली, Ubuntu तो नहीं, Red Hat करिए, क्योंकि अब हम लोग उसमें बात करेंगे तो can be on the Red Hat and we can mimic everything on the CentOS or RockyOS, right? तो हम लोग CentOS या RockyOS को हम लोग लेके कर सकते हैं, क्योंकि Red Hat 8 जो है, Red Hat 9 onward I think it's Rocky, उससे पहले Cent में है सारा, CentOS 7, CentOS 8 हम लोग use कर सकते हैं to mimic this, क्योंकि again हमारी lab में we can't do this, otherwise हमको Red Hat के licensing पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है, तो वो हम लोग ही करेंगे। और कंपनी में कोई भी यूज करेगा उस प्रोजेक्ट में, तो ही विल नॉट गो फॉर दिस Red Hat इमेज, इंस्टेड ही विल गो फॉर दिस Red Hat इमेज, ठीक है, तो उसकी एप्लीकेशन वो रन कर रहा है तो उसको रन करेगा। तो अब इसमें क्या है कि ये एक पाइपलाइन बनानी है, जब भी गूगल अपना गूगल नई इमेज पब्लिश करता है, नया वर्जन, तो हमको वो इमेज लेना है, फिर से उस पर सब रन करना है, फिर से एक कस्टम इमेज बनाना हमारा और वो यूज हो जाए। तो हम लोग विल कीप इट रेडी फॉर द यूजर। तो हमको क्या करना है, इसको इमेज रिफ्रेश पाइपलाइन बनानी है, ठीक है, इसके अंदर में क्या होगा, ये पाइपलाइन बनाने का काम पैकर करेगा और ये इंस्टॉलेशन वाला काम जो है एंसिबल करेगा, और पैकर क्या करेगा, बनाएगा, एंसिबल इंस्टॉल करेगा और पैकर पब्लिश भी कर देगा। तो ये हमारा टास्क है, अब वो टास्क के लिए हम लोग आगे आगे बढ़ेंगे, तो नेक्स्ट हम लोग टेराफॉर्म पहले बेसिक तुमको बता देता हूँ, सो देन यू गाइस कैन स्टार्ट एक्सप्लोरिंग अदर्स, बट अभी ये हमको करना, तो ठीक है, लेट्स रैप इट अप फॉर द डे, और हम लोग कल भी कनेक्ट करते हैं अगेन, मैं अवेलेबिलिटी के हिसाब से बताता हूँ, आई थिंक आई हैव अ टाइम लेटर टुडे एज वेल, तो मैं देखता हूँ जो अभी अवेलेबल होंगे, यू गाइस कैन जॉइन, वी कैन मे बी डिस्कस दिस फर्दर, तो मेरी अवेलेबिलिटी के ऊपर है, देखता हूँ, मुझे टाइम मिलेगा तो मैं बताता हूँ तुम लोगों को, ठीक है, ओके सर, चलेगा। तो फॉर नाउ ज्यादातर तो मतलब अगर तुमको खुद से कुछ करना है तो आई विल क्रिएट ऑल दिस सर्वर, Jenkins सर्वर रहेगा हमारा, कोड सोर्स रहेगा जहाँ पे मैं तुम लोगों को दे दूंगा कि यस यू कैन यूज इट, बट आई वोंट गिव यू द अकाउंट, AWS अकाउंट फॉर नाउ, तुम अपना कर सकते हो इफ यू वांट टू डू इट ऑल दिस थिंग, क्योंकि टेराफॉर्म में अभी कुछ ऐसी चीजें मैं बताऊंगा जहाँ पे तुमको क्लाउड का अकाउंट चाहिए, तो वो तुम अपने इस पे तुमको करना पड़ेगा, ये प्रोजेक्ट रिलेटेड चीजें ही मैं बताऊंगा और वहाँ पे सिर्फ तुमको एक्सेस दे दूंगा, ताकि इफ यू वांट कंट्रीब्यूट यू कैन कंट्रीब्यूट, अदरवाइज फॉर योर लर्निंग यू हैव टू कम अप विद योर ओन, एंड इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, यू कैन साइन अप फॉर द AWS अकाउंट, इट्स फ्री में मिल जाता है, एक डेबिट कार्ड बना लो, मतलब किसी का ले लो, अगर ऑलरेडी अपना एग्जॉस्ट हो गया है तो नंबर यूज कर लो, जीमेल अकाउंट बना लो, बन जाता है फॉर योर लर्निंग पर्पसेस, एंड इफ यू परफॉर्म वेल देन आई विल गिव यू द अकाउंट, राइट, देन कोई करता है तो उसको कराने के लिए अच्छा भी लगता है, लेकिन बाकी किसी के पीछे जबरदस्ती का सर पटको और वो वहीं का वही रहता है तो मजा भी नहीं आता, मतलब टीचर को भी पढ़ाने में इंटरेस्ट तभी आता है जब सामने वाला उसको पढ़े, तो तुम लोग करोगे तो फिर देन आई एम ओके टू गिव यू द अकाउंट एंड देन यू कैन डू द स्टफ प्रोजेक्ट रिलेटेड थिंग, जो हमको यूज तुम्हारी लर्निंग भी हो जाएगी और प्लस वो हम लोग यूज भी कर सकते हैं, तो एक तीर से दो निशाने टाइप जैसा हो जाएगा अपने का। ओके सो प्रिपेयर कर लो अपने अपने अकाउंट्स, और जैसा तुम AWS का बना रहे हो वैसा GCP का भी बन सकता है, तो नाउ इट्स टाइम और अगेन टू बी हियर टू डू सम मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन, जो लिनक्स में हमने 25 लेक्चर में टाइम डाला है वो सारी अंडरस्टैंडिंग तुम्हारे काम आनी चाहिए, एक लेक्चर में हमने पूरा मैनुअली इंस्टेंस बनाया है, राइट, तो दैट्स नाउ जाके देख सकते हो तुम फिर से वापस के हमने क्या क्या सेलेक्ट किया था उसके अंदर में, पूरा मैंने एक एक स्टेप बताया था, आई क्रिएटेड दिस ऑन द AWS भी बताया था, GCP भी बताया था, अब वो चीज़ हम लोग इससे करने वाले हैं टेराफॉर्म से, तो टेराफॉर्म करने से पहले मतलब कोई सा भी ऑटोमेशन करने से पहले यू शुड नो इट मैनुअली ताकि